हाउ आर यू ऑल डूइंग गाइस? कैसे हो यार सब लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. तुम लोगों का सेंटर आ गया क्या? सभी लोगों का सेंटर आ गया क्या? सभी ने अपना सेंटर देख लिया क्या? यार अपना सेंटर देख लेना प्लीज़. ठीक है, सेंटर जो है वो आ गया है, तो सभी लोग जितने भी हैं यहाँ पे सभी लोग अपने अपने सेंटर्स देख लें. ठीक है, चलो. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. आज हम लोग अपनी ये वाली यूनिट को भी ख़त्म कर देंगे, राइट? अपना जो सेल वाला यूनिट है एंड सेल साइकिल वाले यूनिट, अपने 4 दिन हुए हैं, फोर्थ डे, एंड हम लोग की 3 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी यहाँ पर. ठीक है, इसके बाद अपना 2 चीज़ें बचेंगी, लाइक द प्लांट फिजियोलॉजी एंड द एनिमल फिजियोलॉजी, राइट? ये दोनों चीज़ें हम लोग के पास बचेंगे. ओके फाइन पीपल. सो आई गेस जोश सभी लोगों के अंदर हाई है. ओके, दिल्ली आया है काफ़ी लोगों का. अभी सुबह सुबह ही मुझे एक बच्चे ने बोला, लाइक वो फर्स्ट ईयर में अभी है, तो ही वॉज लाइक कि दी आपकी वीडियोज़ देखा था, सिलेक्शन हो गया ये वो. तो काफ़ी अच्छा दिन जाने वाला है शायद मेरा आज. लेट्स सी, तुम लोगों से भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि तुम लोग भी ऐसे ही मैसेज करोगे कुछ महीनों बाद कि हो गया हम लोगों का सिलेक्शन. चलो ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं. सेल एंड द सेल साइकिल दोनों चैप्टर्स हम लोग आज कवर कंप्लीट अपने करेंगे. पहले हम लोग अपने पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. हम लोग पूरे के पूरे, जितनी भी हमारी ह्यूमन बॉडी है, पूरी की पूरी किससे मिलकर बनी है? सिर्फ इस चिन्नू से, सेल से बनी है. ये नोट्स मैंने यार भेज दिए हैं टेलीग्राम के ऊपर. टेलीग्राम का नाम तुम लोग को पता ही है, रक्षिता सिंह नाम से है टेलीग्राम. वहाँ पर मैंने ये नोट्स को भेज दिया है, तो प्लीज़ गो एंड चेक, वहाँ से नोट्स अपने चेक कर लेना. ठीक है, अब हम लोग अपना चैप्टर फटाफट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मुझे बता दो गाइज, हाउ इज द जोश? क्योंकि अब मैं 1.5 घंटे तक नॉन स्टॉप बोलने वाली हूँ, मैं चुप नहीं होंगी अब. ठीक है, तो इसीलिए अब फटाफट बता दो, फटाफट जोश हाई होना चाहिए, तभी कुछ चीज़ें हो पाएंगी, अदरवाइज चीज़ें नहीं हो पाएंगी. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप करें. चलो, अरे यार सुबह सुबह स्पैमर्स, एक दो को अभी ब्लॉक कर देते हूँ. चलो ओके स्टार्ट करते हैं यार. चलो फटाफट से, हम लोगों के पास यहाँ पर क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. एक बात बताओ, क्या किस बेसिस पे आप बोलते हो कि एक ऑर्गेनिज्म जो है हम लोगों का लिविंग है, वो किसके बेसिस पर बोलते हो कि हम पूरे के पूरे किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं. सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल हम लोग के पास होते हैं, एंड दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने हैं? सेल्स से मिलकर बने हैं. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? सभी के सभी हम सब सेल से बने हैं. अब तुम कहोगे कि अच्छा, हमारी पूरी की पूरी बॉडी, इसका मतलब सेल से बनी है, ये सेल होता क्या है? सेल हम लोगों के पास, मैंने क्या बोला, छोटी से छोटी यूनिट है. हमारी बॉडी सेल से बनी है, मतलब ये एक फंडामेंटल और हमारी स्ट्रक्चर को बना रही है. मैंने बोला हमारी बॉडी बना रही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम लोग के पास यहाँ पर है. तो हम लोगों के पास एनीथिंग, एक सेल से अगर कोई भी अपने पास यहाँ पर उसके अलावा कोई भी छोटी चीज़ होगी, तो हमारी वो लिविंग को इंश्योर नहीं करेगी. मतलब एक छोटे से छोटा, सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बात करती हूँ, तो वो ऑर्गेनिज्म भी मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ा है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक सेल प्रेजेंट है. क्या यूनिसेलुलर के अलावा आपने आज तक कोई और सेल के बारे में पढ़ा है? कभी भी, कभी नहीं पढ़ा यूनिसेलुलर के अलावा. इसका मतलब यूनिसेलुलर, एक सिंपल सेल होना हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे
लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट इज सेल, कम ऑन गाइस मेरे साथ रिपीट करो, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम लोग के पास क्या है, हम लोगों के पास यहाँ पर सेल है, राइट तो सबसे पहले सेल को देखा किसने, जिंदा सेल को, लिविंग सेल को देखा किसने और डिस्क्राइब किसने किया, अपने एंटोन वेन लेवनहुक ने। एंटोन वेन लेवनहुक ने सबसे पहले सेल को देखा था और हम लोग के पास डिस्क्राइब किया था। सेल की थ्योरी के बारे में उसके बाद बात करते हैं, सेल थ्योरी। तो इस पेज के ऊपर हम लोगों ने किस चीज के बारे में बात करी, एक सेल क्या होता है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंटोन वेन लेवनहुक ने सबसे पहले सेल को देखा और उसको डिस्क्राइब हम लोग के पास किया, लिविंग सेल को देखा और डिस्क्राइब किया। अब मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, सेल की थ्योरी। सेल की थ्योरी क्या हुई हम लोग के पास, 1838 के अंदर मैथियस क्लेडन हम लोग के पास थे, ये क्या थे, बॉटनिस्ट, ठीक है जी, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है वो बॉटनिस्ट थे या जॉलोजिस्ट थे, क्या थे वो हम लोग के पास। अब अगर बॉटनिस्ट थे, बॉटनी से रिलेटेड है, तो क्या प्लांट्स इस तरीके की चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे हम लोग के पास, ठीक है जी। इसका मतलब अपने पास इन्होंने क्या एग्जामिन हम लोग के पास किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, काफ़ी सारे प्लांट्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करके क्या देखा कि ये प्लांट्स जो होते हैं ये सेल से मिलकर बने होते हैं और ये सेल मिलकर किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यूज की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहली बात सेल थ्योरी के अंदर, नंबर वन नेम इज द 1838 के अंदर मैथियस स्क्लेडन जो कि बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो प्लांट्स हैं हम लोगों के पास वो किससे मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है जी। उसी टाइम पर स्क्वान ने सोचा 1839 के अंदर, जो कि ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, तुम्हें पता है ये ब्रिटिश लोग कितने तेज होते हैं, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा अच्छा ये प्लांट्स के ऊपर बता रहा है तो अब मैं एनिमल्स के ऊपर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा रिसर्च कर देता हूं। तो उसने एनिमल्स के ऊपर क्या रिसर्च किया, उन्होंने एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया कि यहां पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एनिमल के सेल्स के ऊपर। फिर उसके दिमाग में आया कि हम लोगों को पहले ही पता था कि एनिमल जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं, प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं, ये अपने मैथियस क्लेडन ने बता दिया। तो अब सवाल ये आ रहा था कि मैं क्या डिस्कवरी करूं, तो इसने एक नई डिस्कवरी कर दी कि इस सेल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसने सोचा अगर एनिमल सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो इसका मतलब प्लांट सेल के ऊपर भी कुछ ना कुछ होगी, राइट। तो इसने एक और चीज बता दी कि प्लांट सेल के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो इसका मतलब अपने पास यहां पर ये अपना जो कौन मैथियस स्क्लेडन और स्क्वान, इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि अगर हमें एक सेल की पूरी थ्योरी देनी है तो क्यों ना हम दोनों साथ में आ जाएं, आधी डिस्कवरी भाई तूने कर रखी है, आधी डिस्कवरी मैंने कर रखी है, तो दोनों मिलके साथ में आ जाते हैं। ये दोनों साथ आ गए और इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया, एक सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया जो कि एक्सप्लेन करती है अपना किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, लेकिन एक चीज अपनी सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि हम लोगों के जो न्यू सेल्स हैं, नए सेल्स हैं, वो कैसे बनते हैं, ये चीज अपनी सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। मतलब हम लोगों ने हर चीज़ दिखा दिया, ठीक है जी। तो हम लोगों ने यहाँ पे हर चीज़ के बारे में बता दिया कि मैथियस क्लेडन ने, स्क्वान ने क्या क्या चीज़ें की कैसे नहीं की, लेकिन हम ये चीज़ नहीं बता पा रहे हैं कि अपने पास यहाँ पर नए सेल कैसे बने हैं, ये हम लोग यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं। तो इसको बताने के लिए भी अब कोई ना कोई अपने पास आएगा, तो रुडोल्फ विर्चाओ हम लोग के पास यहाँ पर उन्होंने एंट्री मारी और उन्होंने बताया कि नए सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और इसी की हेल्प से इन्होंने कहा अच्छा ठीक है तो तू भी आ जा, तू भी मिल जा हमारे साथ। तो मैथियस स्क्लेडन, स्क्वान और अपने रुडोल्फ विर्चाओ तीनों मिल गए और तीनों ने मिलकर सेल थ्योरी अपने को दी। क्या सेल थ्योरी दी, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी के सभी सेल या सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। ये तो मैथियस स्क्लेडन और स्क्वान
ने बता दिया था। अब साथ में रुडॉल्फ विर्चाउ की थ्योरी कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दोनों को कंबाइन कर दिया। तो अपने पास सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या था, सबसे पहले अपने पास मैथियस स्क्लेडन ने 1838 के अंदर बोला कि सारे प्लांट जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। स्क्वान जो कि जियोलॉजिस्ट था उसने एनिमल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया और उसने कहा कि उनके सेल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर उसने सोचा क्या हुआ मैं जियोलॉजिस्ट हूँ तो साथ में मैं प्लांट्स के ऊपर भी तो एक वॉल यहाँ पर मेम्ब्रेन यहाँ पर देख सकता हूँ। तो उसने बोला कि प्लांट्स के ऊपर सेल वॉल हम लोगों के पास यहाँ पर होती है। तो दोनों मिल गए, दोनों ने मिलकर कंक्लूजन दिया हम लोगों के पास सेल थ्योरी के बारे में, जिसमें साथ में अपने रुडॉल्फ विर्चाउ भाई साहब भी आ गए। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला अपने पास यहाँ पर नए सेल्स जो हैं दोज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलते हैं और दोनों को कंबाइन करके कंप्लीट हम लोगों के पास जो सेल थ्योरी है वो यहाँ पर दे दी गई। ठीक है, तो अपन ने सेल क्या होता है, दैट इज द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स, सेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर। तो सेल का साइज, शेप, एक्टिविटीज अलग अलग बहुत ज्यादा डिफर करती है। जैसे कि अपने पास जो माइकोप्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है, जबकि जो ऑस्ट्रिच अपने पास है वो लार्जेस्ट लिविंग आइसोलेटेड सिंगल सेल है। हम लोग के पास ऑस्ट्रिच का एग, जैसे ही ऑस्ट्रिच का एग हम लोग के पास होता है वो एक सिंगल सेल ही तो है अभी। ठीक है, तो अपने पास वो क्या है, हम लोग के पास दैट इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल। अपने नर्व सेल जो होते हैं दीज आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल में से इनको माना जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा सेल जो है साइज में, शेप में, एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। क्या क्या है, नंबर वन माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल, एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल। चलो ठीक है जी, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये है अपना सेल, ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरा है। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेलुलर एक्टिविटीज प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर, वो कहाँ पर हो रही होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रही होती हैं। राइबोसोम हम लोग के पास क्या हो गया, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली जो दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर होती हैं। लेकिन कैसी होती हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज साइटोप्लाज्म में भी मिलती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी। तो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी हम लोगों के पास क्या करती हैं, हम लोगों के पास यहां पर ये ऑर्गेनेलीज मिलती हैं। राइट, तो सबसे पहली बात अपने पास यहां पर क्या था, सबसे पहला हम लोगों के पास माइकोप्लाज्मा दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल, और उसके बाद लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल किसका था, हम लोगों के पास नंबर टू दैट इज द ऑस्ट्रिच का। लॉन्गेस्ट सेल्स में से किसको माना गया है, नर्व सेल्स में से। साइटोप्लाज्म क्या करता है, दैट इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। राइबोसोम क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में कहां कहां मिलेंगे, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर जगह के ऊपर हम लोगों को ये देखने को मिलते हैं। राइट, तो ये अपने पास क्या हो गया, दैट इज द समवॉट एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। चलो ठीक है, अब एनिमल्स के अंदर मैंने किसके बारे में यहाँ पर बात करी, जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड थी एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड थी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल एनिमल्स, वो मैंने गलती से बोल दिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर। अब अपने पास यहाँ पर क्या है, एनिमल सेल्स के अंदर एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है जिसका नाम होता है सेंट्रोसोम, और इस सेंट्रोसोम चैप्टर, इस सेंट्रोसोम वर्ड को सेल साइकिल चैप्टर में हम भर भर के पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है। राइट, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों के पास दो चीज़ें, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, दो चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। राइबोसोम के बारे में हमने बात कर ली, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड था। सेंट्रोसोम जो कि एनिमल सेल्स के अंदर हम लोगों ने बात करी, ये भी क्या है अपने पास, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज जिसके अंदर सेल के अंदर मिलती हैं, वो सेल कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जिनके अंदर अपने पास यहां पर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा। तो उन सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उन सेल्स को हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स एंड द प्रोकैरियोटिक सेल्स हम के पास यहां पर हो गए। राइट, डन, चलो ठीक है जी। तो एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, सेंट्रोसोम, इधर क्या था, राइबोसोम,
राइट, यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब वन बाय वन करके थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स अपने पास क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स, तो इनके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगी। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या आते हैं, ये कीड़े मकौड़े अपने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आती हैं। इनके अंदर जीनोमिक बायोटेक चैप्टर पढ़ते हो ना, एक्स्ट्रा स्मॉल सर्कुलर डीएनए, तो इन प्रोकैरियोट्स के अंदर जीनोमिक डीएनए के अलावा एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी अपने पास प्रेजेंट होता है, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड हम लोग बोलते हैं। और ये प्लाज्मिड जो है ना अपने पास यहां पर, ये इनको एक फिनोटाइपिक, एक सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है इस तरीके के बैक्टीरिया को हम लोग के पास, ठीक है जी। तो स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिस प्लाज्मिड का इतना ज्यादा यूज करके पूरा बायोटेक चैप्टर हम लोग बना के बैठ जाएंगे, ठीक है, पता है ना, उसके अंदर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो प्लाज्मिड डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है फॉरेन डीएनए के साथ। ये पूरी की पूरी प्लाज्मिड वाला पोर्शन जो है हम लोग वैसे भी बायोटेक चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में समझते हैं, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जिनके ऊपर नहीं होती हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, और इनके अंदर जीनोमिक डीएनए के अलावा भी एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, और उस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को क्या बोलते हैं, हम लोग प्लाज्मिड उसको बोलते हैं, जो कि अपने पास क्या करता है, एक सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर हम लोग को यहां पर प्रोवाइड करता है। तो हर प्रोकैरियोट्स जिनके पास सेल वॉल हम लोग के पास है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर अपने पास ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसके सेल एनवलप के बारे में बात कर लेते हैं, इतना सिंपल तो है नहीं। एक बात बताओ, जब अपन ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हम लोगों ने बैक्टीरिया पढ़ा था, क्या बैक्टीरिया के अंदर हम एक ही बात कह रहे थे कि आर्की बैक्टीरिया हम लोग के पास इतने एक्सट्रीम कंडीशन में इसलिए रह जाता है क्योंकि इसके पास जो इसकी वॉल अपने पास है, इसका जो एनवेलप है सेल का ऊपर का एनवेलप, वो बहुत ही अलग तरीके का होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेल होता है अपने पास प्रोकैरियोटिक सेल, इसके ऊपर का जो एनवेलप होता है ये कुछ अलग ही तरीके का होता है। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके ऊपर एक सेल का एनवेलप होता है जो कि टाइटली बाउंड तीन लेयर का स्ट्रक्चर है, इसीलिए इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में भी सेल जो है वो खुशी खुशी रह पा रहा था क्योंकि टाइटली बाउंडेड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर हम लोग के पास ये है। कितनी लेयर का स्ट्रक्चर, थ्री लेयर का स्ट्रक्चर, वन बाय वन करके पढ़ लेते हैं। सबसे बाहर वाली है ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर टू है सेल वॉल, नंबर थ्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर सेल वॉल होती है, ये तो नॉर्मली एक प्लांट में भी होता है। यहाँ पर ज़रा सा क्या ऊपर अपना आ गया, थोड़ा सा इसको और टाइट बनाना है ना इसकी सेल वॉल को, सेल एनवेलप को, तो इसके बाहर एक और लेयर हम लोगों ने बना दी, उसका नाम क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स नाम है। तो तीन लेयर स्ट्रक्चर, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, एक लूज शीथ भी हो सकती है और कई बार थिक और टफ कैप्स्यूल भी। तो लूज शीथ जब है तो इसे क्या कहा जाता है, स्लाइम लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स के ही नाम है, ये ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर ये लूज है, लूज शीथ है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। अगर ये अपने पास टाइट यहाँ पर है तो टाइट उस केस के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे इसको, उस केस में हम लोग इसको कैप्स्यूल बोलेंगे, तो इसी का नाम अपने पास हो गया। सेल वॉल जो है वो टाइट होती है, तो कोलैप्स होने से, बर्स्ट होने से अपने बैक्टीरिया को यहाँ पर क्या करती है, वो बचाती है, ठीक है जी, ओके फाइन। तो हम लोग एक बार ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पर देख लेते हैं, देखो अपने पास क्या हो गया, इस पेज के अंदर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उससे तुम लोग को इजीली याद हो जाएगा। ये अपने पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हम लोग के पास क्या है, सेल वॉल, ये बाहर क्या है अपने पास, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है जी। तो ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि दो तरीके की हो सकती है, कौन कौन से दो तरीके की हो सकती है अपने पास, एक तो ये हो सकती है स्लाइम लेयर और दूसरा ये हो सकती है कैप्स्यूल, अगर टफ है तो कैप्स्यूल, अगर वीक है तो स्लाइम लेयर। उसके बाद दूसरा था सेल वॉल, जो कि क्या कर रहा था, इसको कोलैप्स होने
से बचा रहा था। तीसरा अपने पास क्या था, तीसरा हम लोग के पास यहाँ पर था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर क्या होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही कुछ एक्सटेंशंस अंदर की तरफ भी होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं। देखो हम लोगों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ एक्सटेंशन होती हैं, किस किस की फॉर्म में, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेले की फॉर्म में, उन्हें बोला जाता है मीजोसोम्स, राइट। तो अपने पास यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ एक्सटेंशन हम लोग के पास होंगी जिन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोसोम्स हम लोग बोलेंगे, जो कि अपने पास तीन फॉर्म के अंदर हो सकती है, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेले। किन किन तीन फॉर्म में, वेसिकल्स की फॉर्म में, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में एंड लैमेले की फॉर्म में हम लोग के पास ये देखने को मिल सकती है, राइट। ये क्या करती है अपने पास, अब अंदर ऐसे अंदर है तो यहाँ पर ही न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर ही डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या कर रही है अपने पास, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन कर रही है। इसके जस्ट बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है तो ये इधर के काम भी कर देगी, इधर के काम भी कर देगी, मतलब सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर देगी। तो सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है, बाहर से मान लो अंदर मुझे कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूट करवाना है उसमें भी हेल्प कर देगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स उनमें भी हेल्प कर देगी, सांस लेने में कुछ सेक्रेशन करवाना हो, रेस्पायरेशन करवाना हो, क्योंकि देख लो ना उनकी एरिया ही ऐसी है, और सरफेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया तो ये इंक्रीज कर ही रहे हैं, ठीक है जी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर ही रहे हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, एक तरीके से सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल, दूसरा सेल वॉल, तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसकी कुछ एक्सटेंशंस होती हैं मीजोसोम किस किस की फॉर्म में, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेले की फॉर्म में, जिसके काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, रेस्पायरेशन, सेक्रीशन प्रोसेस एंड इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर देते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं हम लोग के पास, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स हम लोग के पास प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर। क्रोमेटोफोर्स में क्या होंगे अपने पास, यहां पर कंटेन पिगमेंट्स, ठीक है जी, ओके फाइन। बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, अगर उनके पास क्या है अपने पास यहाँ पर, बैक्टीरिया के पास यहाँ पर फ्लैजिला है, राइट, तो मोटाइल होंगे। और फ्लैजिला किससे बना होता है, अब देखो एक फ्लैजिला है तो इसका क्या, एक अपने पास यहाँ पर एक बेसल बॉडी होगी, फिर एक फिलामेंट होगा और एक किसी को कैच करने के लिए ऊपर हुक, तो बेसल बॉडी, फिलामेंट एंड हुक बन गया अपना फ्लैजिला। कैसे है फ्लैजिला, देखो एक बेसल बॉडी, दूसरा फिलामेंट, तीसरा हुक, तो फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी फ्लैजिला अपने पास बनाते हैं। पिली और फिम्बरी भी होते हैं, वो कोई ज़्यादा मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करते हैं, लेकिन मतलब ऐसे पकड़ के रखना हो अपने को, रॉक्स पे अगर पकड़ बनानी हो तो वहाँ पे पिली और फिम्बरी का फिर भी काम आ जाता है, राइट। तो बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप, तो एक स्टेनिंग होता है अपने पास, ग्राम स्टेनिंग अपने पास होता है, तो उसके बेसिस पे अपना जो बैक्टीरिया होता है डिफरेंसेस उसके अंदर आते हैं, अगर स्टेनिंग दे रहे हैं तो ग्राम पॉजिटिव और नहीं दे रहे हैं तो ग्राम नेगेटिव, इसमें एज सच कोई ज़्यादा रटने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग के पास यहाँ पर हो गया। अब राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राइबोसोम्स अपने पास यहाँ पर क्या हो गए, 70S, राइबोसोम्स आर 70S, 70S होंगे तो अपने पास इनकी सब यूनिट होंगी दो, 50S एंड 30S सब यूनिट, चलो ठीक है जी। देखो अपने पास राइबोसोम जो है, एक होता है 70S जो कि पुराने ज़माने में होता था प्रोकैरियोट्स में, और इसकी सब यूनिट होती है 50 एंड 30, ठीक है। और 80S, ये 80 मतलब आपने कितने से इंक्रीज़ करा इसको, 10 से, तो इसको भी 10 से इंक्रीज़ कर दो 60, इसको भी 10 से इंक्रीज़ कर दो 40, तो 80S जो है वो 60S और 40S सब यूनिट से मिलकर बना है, 70S जो है वो 50S और 30S सब यूनिट से मिलकर बना है। आज के बाद कभी भी नहीं भूलना चाहिए, 70 को 80 कर दिया, 50 को 60, 30 को 40, इसी तरीके से हमेशा याद रखना, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे होते हैं, 30S जिसकी सब यूनिट होती है 50S एंड 30, ठीक है। काफी सारे राइबोसोम जो है हम लोग के पास एक mmRNA से अटैच करके क्या बनाएंगे, काफी सारे अटैच करके पॉलीराइबोसोम,
पॉलीराइबोसोम अपने पास यहाँ पर हो गए, जिसको पॉलीसोम हम लोग कहेंगे, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अपने पास एसोसिएटेड यहाँ पर होते हैं। और ये क्या करेंगे, अगर एमआरएनए से अटैच्ड हैं तो राइबोसोम अपने पास यहाँ पर क्या करेंगे, एमआरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देंगे अपने पास। तो दीज कन्वर्ट्स द एमआरएनए इनटू द प्रोटीन्स। इन सब चीज़ों के बारे में वैसे भी हम लोग मॉलिक्यूलर चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद अपने पास आता है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज का मतलब क्या हो गया, कुछ इंक्लूड कर रही होंगी अपने अंदर, राइट। तो रिजर्व मटीरियल इज स्टोर्ड इन द इंक्लूजन बॉडीज, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, मतलब कुछ इंक्लूड करेंगी। एग्जांपल क्या हो गए इंक्लूजन बॉडी के, फॉस्फेट ग्रैनुल्स, साइनोफाइशन ग्रैनुल्स, ग्लाइकोजन ग्रैनुल्स अपने पास हो गए, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर कुछ गैस के वैक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। तो अपने पास इंक्लूजन बॉडीज क्या हो गया, जो कुछ इंक्लूड कर रही हैं, फॉस्फेट के ग्रैनुल्स, साइनोफाइशन ग्रैनुल्स, ग्लाइकोजन के ग्रैनुल्स, ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट अपने पास यहाँ पर होते हैं। तो रिजर्व मटीरियल किसके अंदर मिलेगा, इंक्लूजन बॉडीज के अंदर, जो इंक्लूड अपने पास कर रही हैं। प्रोकैरियोटिक सेल अपना खत्म हो गया। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल जो कि मेम्ब्रेन बाउंड अपने पास यहां पर होते हैं, बिसाइड न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, क्या क्या होती हैं, और दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, बाकी सब चीजों के बारे में तो यहां पर पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोट्स कौन कौन होते थे, बैक्टीरिया तो किसमें आता था, प्रोकैरियोट्स में। मोनरा अभी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्या आए हैं हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, ये सब के सब अपने पास क्या थे, यूकैरियोट्स थे। प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स हम लोग के पास होते हैं, जबकि जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके पास सेंट्रियोल्स होते हैं, विच आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द प्लांट सेल। तो दोनों के अंदर किस तरीके से डिस्टिंग्विश करने को मिल सकता है, कैसे तुम लोग पता लगा सकते हो कि ये प्लांट सेल है एनिमल सेल है, अगर बहुत बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट हो तो इसका मतलब प्लांट सेल होने के चांसेस हैं, अगर सेंट्रियोल प्रेजेंट हो तो वो तो प्लांट सेल के अंदर होते ही नहीं है, वो एनिमल सेल के अंदर अपने पास होते हैं। तो दो चीजें हो गई, कौन कौन सी दो चीजें, अगर वैक्यूल्स बड़े प्रेजेंट हैं तो प्लांट सेल्स हो गए, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं तो एनिमल सेल्स हम लोग के पास हो गए, एंड दीज आर द यूकैरियोटिक सेल, जो कि कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड हम लोग के पास होते हैं। ये मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ। यूकैरियोट्स के अंदर कौन से राइबोसोम्स होते हैं, 80S राइबोसोम होते हैं, जो कि दो सब यूनिट से 60S एंड 40S सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ये मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो हम लोगों के पास, हमने थोड़ी सी इसकी केमिकल स्टडी किया सेल मेम्ब्रेन का, किसके ऊपर, और स्पेशली ह्यूमन आरबीसी के ऊपर हमने इसका स्टडी किया और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया। उस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं। जिंदा हो क्या गाइस, जिंदा तो हो ना, तुम्हारी बातें खत्म ही नहीं होती भाई। तुम पढ़ने आते हो कि यहाँ पे घर घर खेलने आते हो, हैं? गजब हो बे। चलो ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हमने किसके ऊपर स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, ह्यूमन आरबीसी के ऊपर, उस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है, मेनली फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ठीक है जी। तो फॉस्फोलिपिड का मतलब अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, इसके अंदर एक अपना पोलर हेड जो होगा वो बाहर होगा और नॉन पोलर टेल अंदर होगी। देखो क्यों, अपने पास क्या होती है, ये एक बायलेयर हम लोग के पास होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इधर पानी भरा हुआ है, इधर भी पानी भरा हुआ है, तो टेल है हाइड्रोफोबिक। अब उस टेल को लगता है डर, तो हेड इधर रहेगा और टेल इसकी इधर, इसकी इधर,
तो दोनों टेल ये बीचों बीच अंदर की तरफ आ जाएंगी, दोनों हेड इधर आ जाएंगे, ये दोनों हेड ऐसे और ये दोनों टेल ऐसे। तो अपने पास जो पानी से डरती थी टेल वो अंदर आ गई, हेड जो है वो बाहर अपने पास यहाँ पर आ गए। तो इसका मतलब जो अपना यहाँ पर क्या था, फॉस्फोलिपिड्स कंसिस्ट ऑफ पोलर हेड जो कि आउटवर्ड अपने पास होता है, नॉन पोलर टेल हाइड्रोफोबिक जो कि अंदर के साइड यहाँ पर होती है। तो आरबीसी के अंदर 52% प्रोटीन्स होते हैं एंड 40% क्या होते हैं, लिपिड्स यहाँ पर होते हैं। इन मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, इंटीग्रल जो अंदर घुसे हुए हों, एक हो सकता है पेरिफेरल जो बाहर की तरफ हों। और इसके बाद अपना जो सिंगर और निकोलसन है उन्होंने 1972 के अंदर क्या दिया था अपने पास, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोजैक मॉडल। मतलब उसने क्या बोला, उसने यहाँ पर बोला कि अपने पास क्या होता है, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। उसको सेलेक्टिवली परमिएबल तो होना ही पड़ेगा, किसी को वहाँ पे उसके अंदर जाना हो, किसी को बाहर जाना हो, अगर वहाँ पे क्या है अपने पास यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े तो उस ट्रांसपोर्ट को क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। वैसे भी ट्रांसपोर्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब समझा दूंगी। अगर वाटर का मूवमेंट होता है तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर अपने को किसी चीज़ को मूव करवाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे, उसके अंदर डिटेल में इस चीज को पढ़ लेंगे। तो अपने पास यहां पर जो हम लोग के सिंगर और निकोलसन भाई साहब थे 1972 के अंदर, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एग्जैक्टली बोला हम लोगों के पास यहां पर क्या होता है, लिपिड जो होते हैं उनका एक क्वासी फ्लूइड नेचर होता है। मतलब थोड़ा सा ना एक तरीके से ये मान के चलो, मान लो ये अपनी मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अंदर लिपिड जैसे भरे हुए हैं जो कि फ्लूइड नेचर उनका अपने पास यहां पर है। अब क्या होगा, अब फ्लूइड नेचर अगर उनका है तो यहाँ पर जितने भी प्रोटीन्स हैं वो इधर उधर इसके अंदर इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो लेटरल मूवमेंट होती है प्रोटीन्स की विद इन द ओवरऑल बायलेयर। बायलेयर क्यों होती है वो तो मैंने तुम लोग को समझा ही दिया, हेड नहीं डरता पानी से, उसका इधर इधर दूसरा हेड और ये एक लेयर अपने पास होती है, एक दो मतलब बायलेयर अपने पास होगी। तो ये बायलेयर के अंदर जो लिपिड होते हैं उनका क्वासी फ्लूइड नेचर होता है और वो प्रोटीन्स की मूवमेंट लेटरल मूवमेंट को अलाव कर देते हैं, ठीक है जी। तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, हम लोगों के पास यहाँ पर उन्होंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया सिंगर एंड निकोलसन ने। फ्लूइड है तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, उन्होंने कौन सा मॉडल दिया, फ्लूइड मोजैक मॉडल। कौन सा मॉडल, फ्लूइड मोजैक मॉडल। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, अब लिपिड है, लिपिड तो नॉन पोलर होती है, ये लेयर किससे बनी हुई थी, लिपिड से बनी हुई थी, लिपिड्स आर नॉन पोलर, तो पोलर मॉलिक्यूल को ये अपने में से पास नहीं करने देंगे, ठीक है। और अपने पास मेम्ब्रेन का अब फ्लूइड नेचर क्यों होता है, एक बात बताओ, मान लो ये मेरी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेरी क्या है मेम्ब्रेन, टाइट है, टाइट है कि नहीं है, ये दूसरा मान लो ये दूसरी मेम्ब्रेन, इसमें क्या ये टाइट है, टाइट नहीं है। एक बात बताओ, क्या ये इसको एक सेल मान लो, इसको एक सेल मान लो, क्या ये सेल कभी भी ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या अगर इसमें मैं कोई जंक्शन बनाने की कोशिश करूं, कर पाएगा, नहीं। क्या इसमें से मैं कोई सेक्रेशन करवाने की कोशिश करूं, हो पाएगी। क्या ये डिवाइड करने देगा, नहीं। एंडोसाइटोसिस करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये टाइट अपने पास हो जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला, अपनी लेयर का मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, फ्लूइड नेचर होता है, तो क्या ये ग्रो करने में हेल्प करेगी, हाँ जी ग्रो करने में हेल्प कर रही है। इंटरसेलुलर जंक्शंस बनवाने हो, सेक्रीशन करवानी हो, एंडोसाइटोसिस करवाना हो, सेल का डिवीजन करवाना हो, तो उसके अंदर ये बहुत ईजिली हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए अपने पास मेम्ब्रेन का कैसा नेचर होता है, फ्लूइड नेचर हम लोग के पास मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है जी। चलो इसके बाद अपने पास आता है सेल वॉल। सेल वॉल वही अपनी टाइट वाली सेल वॉल हो गई, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर हो गया, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वॉल अपने पास प्रेजेंट होती है। सिर्फ किस में होगा, फंगस में। फंगस में कैसी थी, काइटिनस थी अपने पास यहाँ पर। प्लांट्स क्या थे हम लोग के पास, प्लांट्स के पास यहाँ पर सेलुलोज थी हम लोग की बनी हुई थी। तो क्या द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट, अपने पास यंग प्लांट है तो अभी सेल वॉल उतनी ज़्यादा टाइट अपने पास यहाँ पर नहीं बनी है अपने पास। तो प्राइमरी सेल वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ which gradually diminishes as the cell mature and secondary wall is formed on the inner side। अंदर की तरफ क्या होती जाती है, एक अपनी secondary wall यहाँ पर बनती जाती है, right? और middle lamella is a layer of calcium pectate। calcium pectate की
एक हम लोगों के पास क्या होती है, लेयर होती है। एल्गी के ऊपर भी सेल वॉल होती है, सब हम पढ़ के आए हैं। सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट, इनकी बनी होती है। प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें हम लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं। ये सब की सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली हैं ऑलरेडी उसमें। इसके बाद अपने पास आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है अपने पास यहाँ पर? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब अपने पास यहाँ पर एक मेम्ब्रेनस कुछ ऑर्गेनालीज हम लोग के पास होती हैं, जिनका डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन उनको एक ही सिस्टम का पार्ट माना जाता है। कौन कौन सी ऑर्गेनालीज होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अपने पास यहाँ पर क्या होता है, वो एक सिस्टम का पार्ट माना जाता है। कैसे सिस्टम का पार्ट माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि इनका फंक्शन जो है कोऑर्डिनेटेड होता है। अपना ये क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। इसके बाहर क्या होगा, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर इसके बाहर होगा गॉल्जी एपरेटस, उसके यहाँ पर लाइसोसोम्स और अपने क्या होंगे, वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये चारों के चारों जो चीजें हैं, इनका आपस में जो फंक्शन होता है, इनका जो आपस में काम होता है, ये सारा का सारा क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड हम लोग के पास होता है। तो अगर इनका काम अपने पास कोऑर्डिनेटेड होगा तो इनको एक ही सिस्टम का पार्ट माना जाता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट इनको माना जाता है। सारे के सारे को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हम लोग मानेंगे, क्योंकि ये आपस में फंक्शन इनका कोऑर्डिनेटेड होता है, आपस में साथ मिलकर ये सारा काम कर रहे होंगे, तो इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट मानते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग के पास यहां पर क्या हो गया, सबसे पहले अपने पास यहां पर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम से ही पता चल रहा है, एक टीनी स्ट्रक्चर जो कि अपने साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, रेटिक्यूलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसे क्या कहा जाता है, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। गॉल्जी एपरेटस, नाम किसने दिया था गॉल्जी एपरेटस का, कैमिलियो गॉल्जी ने हम लोग के पास, ठीक है जी। अब क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर क्या होते हैं अपने पास, राइबोसोम्स होते हैं इसके सरफेस पे। तो उस केस में इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस रेटिकुलम के ऊपर अगर कुछ चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो ये रफ बन जाएगा ना, तो उस केस में इसे क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस राइबोसोम के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, स्मूथ हम लोग के पास होगा, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलम एक रेटिकुलम टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रेटिकुलम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि दो तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा ही होगा, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका सिंथेसिस होता है, लिपिड्स का सिंथेसिस होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस हम लोग के पास यहां पर करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस अपने पास यहां पर करेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करेगा, लिपिड का सिंथेसिस हम लोग के पास यहां पर करेगा, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं अपन किसके बारे में, गॉल्जी एपरेटस के बारे में। तो कैमिलियो गॉल्जी ने गॉल्जी एपरेटस के बारे में यहां पर बताया था, इनके अंदर क्या होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं जो कि कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं न्यूक्लियस के पास। तो एक कॉन्वेक्स और कंकेव फॉर्मिंग फेस अपने पास, कंकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। तो एक अपने पास क्या होता है, कॉन्वेक्स या फिर सिस फेस, और दूसरा होता है अपने पास कंकेव, जिसको कहते हैं फॉर्मिंग। देखो अब अपने पास यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होता है, मान लो अपने पास एक चीज़ यहाँ से एंटर करी, तो सबसे पहले ये क्या कर रहा होगा, उस चीज़ को फॉर्म कर रहा होगा। फिर अपने पास उसका दूसरा फेस यहाँ पर है, जो कि उस चीज़ को मैच्योर करके अपने अंदर से निकाल देगा। तो सबसे पहला फेस जो होता है वो होता है सिस टाइप का, और वो चीज़ों को फॉर्म करेगा, इसीलिए वो फॉर्मिंग फेस होता है। धीरे धीरे वो गॉल्जी एपरेटस से पूरा पास करेंगी, पास करते करते जब निकलने का टाइम आएगा तो वो मैच्योर हो चुकी होंगी चीजें, इसीलिए उस फेस को क्या कहा जाता है, कनकेव या फिर मैच्योरिंग फेस, ट्रांस कनकेव या फिर मैच्योरिंग फेस उसको हम बोलते हैं। तो गॉल्जी एपरेटस के दो फेसेस अपने पास यहां पर होते हैं। तो प्रिंसिपली ये क्या करती हैं गॉल्जी एपरेटस, ये हम लोगों के पास पैकेजिंग का काम करती हैं। तो प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन्स देखो, अब सबसे पहले यहां पर क्या था, मैंने आपको क्या बोला, इन सब का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है अपने पास यहां पर, कोऑर्डिनेटेड हम लोग के पास होता है। तुमने अभी इस चीज को मान लिया था कि हां ठीक है, इनका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। तो सबसे पहले अपने पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो
तरीके का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनवाए, लिपिड्स बनवाए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनवाए, प्रोटीन्स यहाँ पर बनवाए। अब क्या हुआ अपने पास यहाँ पर, ये चीजें जो है ये आगे हम लोग के पास गई, गॉल्जी एपरेटस अपने पास यहाँ पर है। गॉल्जी एपरेटस क्या करता है, गॉल्जी एपरेटस पैकेजिंग का काम हम लोग के पास करता है। तो दोनों के ऊपर क्या चढ़वा देगा, ग्लाइको चढ़वा देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, लिपिड्स, ग्लाइको लिपिड्स बन जाएंगे। प्रोटीन्स क्या बन जाएंगे, ग्लाइको प्रोटीन्स हम लोग के पास यहाँ पर बन जाएंगे। तो गॉल्जी एपरेटस में के अंदर घुसते किसकी हेल्प से हैं, उसके सिस फेस से, उसके फॉर्मिंग फेस से उसके अंदर एंट्री मारते हैं। और उसके अंदर से अब निकलना भी तो है, इनको और कहीं जाना भी तो है, इसने तो सिर्फ पैकेजिंग करवा दी। तो अपने पास यहाँ पर इसके मैच्योरिंग फेस से या फिर ट्रांस फेस से ये क्या करेंगे, ट्रांस फेस से ये हम लोग के पास यहाँ से बाहर अपने निकल जाएंगे। तो ये बाहर यहाँ पर निकल गए, तो इसका मतलब गॉल्जी एपरेटस जो है वो पैकेजिंग का काम करवाता है। तो ये दोनों, अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इन चीज़ों को बनवाया, गॉल्जी एपरेटस ने उन चीज़ों को अपने पास क्या करवा दिया, उन चीज़ों को वहाँ पर पैकेजिंग उनका करवा दिया। तो इसके बाद अपने पास आते हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अपने पास मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। असल में ये बने तो गॉल्जी एपरेटस से ही थे, ठीक है, और अब गॉल्जी एपरेटस के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे तुम उसी स्कूल में मान लो तुम लोग इस साल नीट निकालो, ठीक है, और पढ़े तुम मुझसे और अगले साल तुम मेरे साथ पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो उसी तरीके से लाइजोसोम्स क्या है अपने पास यहाँ पर। लाइजोसोम्स हम लोग के पास बने तो गॉल्जी एपरेटस से यहाँ पर हैं, लेकिन उसी के साथ मिलकर ये क्या करते हैं, काम करते हैं। लाइजोसोम तुम्हें भी पता है हाइड्रोलिटिक काम इनका होता है, तुड़वाने का काम इनका होता है, लाइपेजेस प्रोटीजेस कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग के पास हो गए। तो एक ऑप्टिमली एक्टिव पीएच के ऊपर ये क्या करवाते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं, डाइजेशन करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का। वैक्यूल क्या होता है, अभी देखा था हमने प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स अपने पास प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनकी मेम्ब्रेन बाउंड, मैंने क्या बोला, वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इनकी मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, इनकी मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट, इनकी मेम्ब्रेन का नाम है टोनी। तो इनके अंदर वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है यार, वेस्ट प्रोडक्ट जितना भी अपने पास यहाँ पर हो गया, वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल, ठीक है। नहीं आया भाई बनाना, ऐसे क्लास के बीच में नहीं ललचाया करते। मेरी मम्मा को भी ना, मतलब मेन जब लाइव क्लास चल रही है ना, तब मीठी मीठी चीजें सामने ला के रखेंगे। हट यार, चलो वैक्यूल्स पढ़ते हैं हम लोग। वैक्यूल्स अपने पास यहाँ पर क्या था, वैक्यूल्स के अंदर अपने पास क्या होगा, हम लोगों के पास यहाँ पर जितना भी वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट अपने पास थे, वो सारे यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल, वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाँ ले जाओ, ठीक है, जो कि हम लोग के यूजफुल यहाँ पर नहीं होते हैं, वो चीज़ें अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो काफ़ी सारे सेल्स के अंदर, जैसे कि प्रोटिस्ट के अंदर, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड, फूड मटेरियल्स को, ठीक है, फूड मटेरियल्स को एनगल्फ करके, फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करके जो अपने पास होते हैं फूड वैक्यूल्स, प्रोटिस्ट वो बनाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, किस्मत है अपनी अपनी। इसके बाद देखते हैं यार फटाफट से, माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास यहाँ पर आ गया। देखो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास क्या होता है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट ईजिली, जब तक इसको स्टेनिंग ना कर देना माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखेगा। एक तो सेल ही इतना चिन्नू सा होता है, ऊपर से माइटोकॉन्ड्रिया तो और चिन्नू अपने पास है, तो कैसे दिखेगा, इतना ईजिली दिखना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक इनर कंपार्टमेंट अपने पास होगा। दो मेम्ब्रेन हम लोग के पास यहाँ पर है ना, तो एक इनर कंपार्टमेंट होता है, उस इनर कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, अपना कुछ चीजों से भरा हुआ होगा हम लोग के पास, तो उसको क्या कहेंगे, मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे। तो जो टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स, आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कंटीन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनली, और इनर मेम्ब्रेन क्या बनाती है, क्रिस्टा हम लोग के पास बनाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, दो मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन तो अंदर क्रिस्टे की फॉर्मेशन अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करती है, और बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, वो एक कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर बनाती है ताकि कुछ भी चीजें ऐसे ही एवं ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आकर
ना घुस जाएं, इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर होता है। अब मान लो बाहर की मेम्ब्रेन ऐसे बीच में टूटी हुई होती तो कुछ भी इधर से एंटर कर जाता माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो बाहर तो पैकेजिंग अच्छे से करवाने की जरूरत है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो पूरा का पूरा एक राउंड स्ट्रक्चर इसके ऊपर बनवा रही होती है प्रोटेक्शन के लिए, और अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन क्रिस्टे की फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर करवाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में सबको पता है यार एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, अपनी जो ATP है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इट इज टर्म्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, हम लोग के पास सिंगल सर्कुलर DNA के मॉलिक्यूल होते हैं, फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स होंगे, राइबोसोम्स हम लोग के पास होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑलमोस्ट सब चीज़ें अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ऑलरेडी मैंने राइबोसोम जब बोला तो मैंने बोला ही था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होंगी, राइट। तो कुछ RNA के मॉलिक्यूल्स, कुछ सिंगल सर्कुलर DNA अपने पास हो गया, राइबोसोम्स हम लोग के पास यहाँ पर हो गए, और काफ़ी सारे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जितने भी चीज़ों की जरूरत होती है वो सभी के सभी कहां पर प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। असल में अपने को प्रोटीन का सिंथेसिस यहां पे चीजों की करवानी है, राइट। और एस पता है ना तुम लोग को, राइबोसोम, 70S राइबोसोम्स। देखो मैंने क्या बोला था, प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं, 80S राइबोसोम्स किसके अंदर होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर। लेकिन ये बाहर के अंदर बात कर रहे थे, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में मैं बात करूं ना तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो 70S राइबोसोम्स ही हम लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज एस, एस इज द सेडिमेंटेशन यूनिट, एक तरीके से अपने डेंसिटी और साइज को मेजर करने के लिए ये एक इनडायरेक्ट यूनिट अपने पास यहां पर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ATP का प्रोडक्शन, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद अपने पास आते हैं प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स इन यूग्लेनॉइड्स, पिगमेंट्स के बेसिस पे ये अलग अलग कैटेगरीज में बांटे गए हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल होगा, कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है। अमाइलो ठीक है, थोड़ा ऑयल जैसा अपने को यहाँ पर, सॉरी अमाइलो के अंदर तो वो होगा ना अपना पोटैटो, अमाइलो ठीक है, लो पोटैटो हाँ ठीक है। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स अपने पास यहाँ पर होंगे। एलियोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, ऑयल और फैट वो स्टोर करेंगे। और एल्यूरोप्लास्ट कल ही पढ़ा था, एल्यूरॉन लेयर हम लोगों के पास, तो एल्यूरॉन लेयर क्या कर, वह प्रोटीन की बनी हुई थी, तो एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स अपने पास हो गए। एलियो ऑयल एंड फैट अपने पास हो गए। अमाइलो मतलब एलो पोटैटो ले लो, कार्बोहाइड्रेट्स अपने पास हो गए। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड्स हम लोगों के पास यहाँ पर होते हैं, ठीक है जी, ओके। इसके बाद अपने पास क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये भी जैसे अपना माइटोकॉन्ड्रिया था, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर, थाइलाकॉइड्स, इसका मैट्रिक्स स्ट्रोमा हम लोग के पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऐसे ही इसके अंदर भी स्मॉल डबल सर्कुलर DNA होगा, राइबोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कैरोटीनॉइड्स जो कि एक फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, पूरा का पूरा हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ के आए हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। राइबोसोम जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S थे, ऐसे इनके अंदर भी क्या होंगे, 70S होंगे, जो कि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से छोटे होते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कैसा होगा, 80S होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, इनमें जो होते हैं ये कैसे होते हैं, 70S अपने पास यहां पर होते हैं। थाइलाकॉइड्स जो है वो स्टैक्स में अरेंज होते हैं, ये पूरा का पूरा जो है इसके बारे में मैं तुम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर पढ़ाऊंगी भी, ठीक है। तो ग्राना अपने पास होगा, इस पोर्शन को तुम लोग यहां पर छोड़ दो, इस वाले पेज को यहां पर छोड़ दो, ये पूरा का पूरा जो पेज है ये हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे उसके डायग्राम के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर छोड़ दो तुम लोग, डन। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलो साइटोस्केलेटन अपने पास यहाँ पर हो गया, नाम से ही पता चल रहा है स्केलेटन हम लोग का बनवाएगा। तो इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उन्हें कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, साइटोस्केलेटन, साइटोप्लाज्म का स्केलेटन बनवा रहे हैं। तो साइटोस्केलेटन हम लोग बोलेंगे क्या, किस किस फंक्शन में, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, शेप की मेंटेनेंस अपने पास यहाँ पर करते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, साइटोस्केलेटन हम लोगों के पास यहां पर हो गया, ठीक है जी। चलो ओके, नेक्स्ट अपने पास क्या है, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला हम लोग के पास यहाँ पर क्या होगा, अभी अभी हमने देखा था अपनी जो आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की, फ्लैजिला जो है कंपैरेटिवली लंबा होता है, ठीक है। मेरे हाथों को मान लो हमेशा फ्लैजिला, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, मेरे हाथों को फ्लैजिला मान लो और मेरे बालों को सीलिया मान लो, तो हाथ पैर मेरे क्या करने हैं, लंबे हैं,
मेरे बालों से तो ये लंबे है ना, तो मूवमेंट करवाने में हेल्प करेंगे. तो फ्लैजिला क्या हो गया, लंबा होता है कंपैरेटिवली, और सेल मूवमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर भी फ्लैजिला होता है, दैट इज स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक. ऑफ कोर्स यार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की चीज़ें डिफर तो करेंगी ही करेंगे. ठीक है, उसके बाद अपने पास एक सेंट्रल कॉर जिसका नाम क्या होता है, एग्जोनीम. सेंट्रल कॉर को क्या कहते हैं, एग्जोनीम. यहाँ पर होता है जो कि एग्जोनीमल माइक्रोटिब्यूल्स का यहाँ पर अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट यहाँ पर होता है. कैसा अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है एग्जोनीमल माइक्रोटिब्यूल्स का. तो सेंट्रल कॉर उसको बोला जाता है एग्जोनीम, एंड द अरेंजमेंट ऑफ एग्जोनीमल माइक्रोटिब्यूल्स 9+2 अरेंजमेंट अपने पास यहां पर होगा. तो दोनों सीलियम और फ्लैजिलम सेंट्रियोल्स जैसे स्ट्रक्चर से, जिसको कहते हैं बेसल बॉडी, उससे अपने पास यहां पर अराइज होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होते हैं. ये आपको इजीली यहां पर चीजें एक्सप्लेन की गई हैं. ये एक बीचों बीच अपने पास प्रेजेंट हो गया. ठीक है, उसके ऊपर सेंट्रल शीथ यहां पर अपने पास प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. फिर बाहर भी अपने पास यहां पर माइक्रोटिब्यूल्स प्रेजेंट है जो कि इधर इसके साथ जुड़ी हुई हैं. किसके साथ, रेडियल स्पॉक के साथ. ठीक है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम तुम लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी है. तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनली है, यूजुअली कंटेनिंग दो सेंट्रियोल्स, दो स्ट्रक्चरली सेंट्रियोल्स, जो कि अपने पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. इसका मतलब सेंट्रोसोम इज नथिंग बट द सेंट्रियोल्स. तो दो सेंट्रियोल्स अगर ऐसे परपेंडिकुलर अपने बैठे हुए हैं तो इसको मैंने क्या कह दिया, इसको मैंने कह दिया सेंट्रोसोम. ठीक है जी, तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ सेंट्रियोल इज प्रोटीनेशियस, द हब दैट इज कनेक्टेड विद द टिब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल ट्रिपलेट्स बाय रेडियल स्पोक्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. यहाँ पे क्या है हम लोगों के पास, यहाँ पे अपने पास डबलेट्स प्रेजेंट हैं, दो ही प्रेजेंट हैं. इधर क्या होंगे, इधर हम लोगों के पास यहाँ पर ट्रिपलेट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे. ये सारे के सारे स्ट्रक्चर तुम लोगों ने देख लिए होंगे. सेंट्रल पार्ट जो होता है हब, प्रोटीनेशियस होता है, टिब्यूल्स से जुड़ा होता है. ठीक है, अपने पास पेरिफेरल ट्रिपलेट्स के साथ जो कि 9 अपने पास होती हैं. इसके बाद हम लोग के पास आता है न्यूक्लियस, दैट इज अ सेल ऑर्गेनली, एंड इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय हुम, दिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था. लेटर द मटीरियल ऑफ न्यूक्लियस वॉज गिवन बाय द नेम क्रोमेटिन. उसको किसने दिया, इसको फ्लेमिंग के द्वारा इसका नाम रखा गया था. ठीक है, क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग, राइट. चलो, तो इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन होती है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, दो मेम्ब्रेन अपने पास हो गई तो उनके बीच में जो स्पेस होगा पेरी न्यूक्लियर स्पेस. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन वही कॉन्टिन्यूस जैसे कि अपने माइटोकॉन्ड्रिया में रहती थी. किसके साथ, ये किसके साथ रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं. मैंने तुम्हें कहा था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाते टाइम कि न्यूक्लियस के बाहर अपने पास क्या होगा, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके आगे गॉल्जी अपरेटस, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स हम लोग के पास होंगे. क्या मैंने इसी तरीके से चीज़ों को मेंशन किया था, तो वही बोला गया है कि जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ कॉन्टिन्यूस होती है, जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अपने पास वो कॉन्टिन्यूस यहाँ पर होती है. ठीक है जी, तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर का मैट्रिक्स है, न्यूक्लियर का साइटोप्लाज्म है एक तरीके से, तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म. और उसके अंदर तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस, देखो वैसे तो अपने सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस को भी एक तरीके से सेल मान के चलो, तो इसका खुद का एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियोलस. साथ में क्रोमेटिन होता है, और जैसे इसका साइटोप्लाज्म था सेल का, ऐसे न्यूक्लियस का क्या होगा, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म अपने पास यहाँ पर होगा. तो डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं सेल डिवीजन की, सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स वहाँ पर दिखते हैं. इन सभी चीज़ों के बारे में मॉलिक्यूलर चैप्टर में हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं. और क्रोमेटिन के अंदर डीएनए होता है, कुछ हिस्टोन्स होते हैं, पता ही है ना तुम लोग को, इतना लंबा डीएनए होता है तो उसकी बाइंडिंग करवाने में हेल्प करता है अपना हिस्टोन. कुछ नॉन हिस्टोन चीज़ें भी होती हैं, आरएनए अपने पास होता है हर क्रोमोसोम के अंदर. अब क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं, तो क्रोमोसोम के अंदर एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन अपने पास होती है. ये अपना क्रोमोसोम हो गया, उसके अंदर एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होगी, जिसको कहेंगे सेंट्रोमियर ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट, जिसके साइड में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं. तो सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम तो नहीं बोल दिया मैंने, सेंट्रोसोम तो वो सेंट्रियोल्स वाला था, दो सेंट्रियोल्स ऐसे परपेंडिकुलरली अरेंज्ड अपने पास थे, उसको सेंट्रोसोम कहते हैं. ये क्या होता है, सेंट्रोमियर
नियर होता है और इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, काइनेटोकोर्स अपने पास प्रेजेंट होते हैं। इनके बेसिस पे चार तरीके के हो सकते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब एकदम मेटा, मिडल के अंदर। सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा मेटासेंट्रिक से, मतलब मिडल से थोड़ा सा दूर। एक्रोसेंट्रिक अपने पास क्या होगा, एक एक हो गया। टीलोसेंट्रिक बिल्कुल टीले पर बैठा है, कहते हैं ना खेत में टीले पर बैठा है, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन के ऊपर बैठा है। और एक्रोसेंट्रिक क्या हो गया, किसी एक एंड के पास में है। तो मेटासेंट्रिक देखो यहाँ पे डायग्राम अगर हम लोग देखेंगे तो अपने पास ये क्या हो गया, ये बीचों बीच, एकदम बीचों बीच अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है, ये बीच में क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, जिसका नाम क्या होता है, सेंट्रोमियर। इसके पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, डिस्क शेप काइनेटोकोर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर हम लोग देखें यहाँ पर, तो अपने पास यहाँ पर क्या गिवन है, ये अपना एकदम बीचों बीच है, मतलब मेटासेंट्रिक। ये बीच से थोड़ा सा उधर है, सब मेटासेंट्रिक। ये एक कोने के पास है, एक्रोसेंट्रिक। और ये बिल्कुल ही कोने पर है, टीले के ऊपर बैठा है, तो टीलोसेंट्रिक हम लोग के पास हो गया। इसके अंदर दो आर्म हो गई, एक शॉर्ट आर्म, एक अपने पास क्या हो गई यहां पर, लॉन्ग आर्म हम लोग के पास हो गई। ठीक है, और कई बार क्या होता है, मैंने क्या बोला, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो क्या थी, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन थी सेंट्रोमियर। कई बार अपने पास सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी, ओके। तो समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन। ये किसका अपीयरेंस देती है, स्मॉल फ्रेगमेंट का। ये नॉन स्टेनिंग होती है, इनको क्या कहा जाता है, सैटेलाइट। तो नॉन स्टेनिंग, दीज आर नॉन स्टेनिंग, राइट। उसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। एंड यहाँ पर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। फाइनली अपने पास है माइक्रोबॉडीज, काफी सारे छोटे छोटे नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोबॉडीज, माइन्यूट वेसिकल्स अपने पास होंगे जिनके अंदर काफी सारे एंजाइम्स होते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर। उन्हें बोला क्या जाएगा, उन्हें बोला जाएगा माइक्रोबॉडीज। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर वन, दैट इज द सेल। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट चैप्टर आता है सेल साइकिल एंड डिफ्यूजन। खत्म। चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नॉन स्टॉप पढ़े हैं हम लोग। मेरी तबीयत खराब है यार, 6 बजे मैं नहीं ले सकती। हालत खराब हो जाती है भाई। दो मिनट का ब्रेक, लेट्स गो एंड मेक मैगी। अच्छा तुम्हारा सही है, गॉड ब्लेस मी। एक और छींक आएगी, और बताओ कैसे हो। हंस लो घटिया लोगों, हंस लो। सेल साइकिल एंड डिवीजन शुरू करें क्या यार, करें क्या? टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया तुम लोगों ने, नोट्स उठा लेना वहाँ से।
रक्षिता सिंह नाम से है, 70,000 के आसपास कुछ हैं उसके ऊपर, वही वाला ज्वाइन करना। आधे लोग तो भाई पता नहीं कौन सा कर लेते हैं, कौन से नशे में रहते हैं वो लोग, पता नहीं कौन सा ही ज्वाइन करके बैठे हैं। कुछ 70,000 कुछ हैं, वो वाला ही ज्वाइन करना, उसके अलावा दूसरा ज्वाइन मत करना। चलिए, क्या मेरी क्लास में क्या हो रही है? मेरी क्लास में इतने सारे कमेंट्स करते हो, दिखते थोड़ी है गंदे लोग। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, बाद में दिखेगा तो रिप्लाई कर दूंगी मैं। वैसे मेरी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। करें अब आगे स्टार्ट। नहीं रहने दूं? अच्छा, मैं यहाँ पे पागलों की तरह लगी हुई हूँ, तुम कह रहे हो रहने दो। बहुत तेज हो रहे हो, हाँ बहुत तेज समझते हो खुद को, हमसे बड़े हो गए हो, कहाँ समझते हो। चलो एक वो करते हैं, किसी को कितनी टेंशन हो रही है, कितनी वो हो रही है, एक बार मेरे साथ, कम ऑन गाइस, एक बार मेरे साथ करते हैं, इसके बाद करते हैं, एक बार मेरे साथ ये करो। सभी लोग आईज क्लोज करेंगे। देखो, जो भी नीट में सिलेक्शन लेना चाहता है नीट के अंदर, वो ये करेगा, बाकियों का मुझे पता नहीं, ठीक है? वो भगवान देख रहा है, तुम लोग करोगे नहीं करोगे वो मुझे नहीं पता। प्लीज एक बार सभी लोग आईज क्लोज करेंगे। किया सभी लोगों ने आईज क्लोज? आईज क्लोज हो गया तो इसका मतलब कमेंट बंद हो जाना चाहिए, तो मुझे कमेंट क्यों दिख रहा है यहाँ पे? आईज क्लोज करो फटाफट से, ठीक है? कर लिया। अब क्या करो, लंबे लंबे सांस लो और अपने नोज की तरफ देखने का सोचो। आईज क्लोज करके अपनी नोज की तरफ देखो और अंदर से फील करो। देखो, अब अंदर लंबा सांस लो, अंदर से फील करो वो सांस आ कहाँ से रहा है, लेके देखो कहाँ से आ रहा है। देखो, अंदर से बिल्कुल स्टमक के पास में से, लंग्स के पास से, वहां से सांस आ रहा है, ऊपर लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, ऊपर जाते जा रहा है। बढ़िया तुम लोगों ने पूरा। अब इसको फिर वापस से निकालो, कहाँ जा रहा है वो, फिर से ऊपर। ऐसे 5 बार ऐसे ब्रीदिंग करो, 5 बार ऐसे करो, 5 times। हुआ? किया फील? कैसा फील होता है? अपना सेल चैप्टर तुम भूल गए होगे अब। ऐसे ऐसे अभी तुमने 5 सांस लिए हैं, 20 times ब्रीद किया करो। लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम होंगी ना, कितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सबसे कांटेक्ट कट जाएगा और एक नया फोकस बनने के लिए आप तैयार हो जाओगे, ठीक है? तो इसीलिए प्लीज़ इस चीज़ को, इस एक्सरसाइज को मैं हमेशा करती हूँ। कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, उससे ध्यान नहीं जा रहा, मुझे कुछ और काम स्टार्ट करना है, आई ऑलवेज प्रैक्टिस दिस, ठीक है? आईज क्लोज करके 20 बार लंबे सांस, इमेजिन करो मेरा सांस किधर जा रहा है, किधर से वापस आ रहा है, किधर जा रहा है, किधर से वापस, ये किया करो हमेशा, ठीक है? चलो, ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है। अभी तुमने 5 बार किया था, ये करने के बाद 20 बार करना, ठीक है? 20 बार करने के बाद करोगे तुम लोग, मजा आएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं यार अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द इन सेल साइकिल एंड डिवीजन। करें फटाफट से स्टार्ट सेल साइकिल एंड डिवीजन। चलो फटाफट, तो सेल साइकिल एंड डिवीजन अपने पास यहाँ पर क्या होता है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल। सेल के अंदर ग्रोथ भी होती है, उसकी रिप्रोडक्शन भी होती है। अपना ये सेल क्या करता है, अपना सेल ग्रो करेगा, उसके बाद अपने दो उनके अंदर डिवाइड हो जाएगा अपने पास यहाँ पर। तो सारे के सारे सेल जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, दो में डिवाइड होके, तो हर पेरेंट
प्रिंटर सेल दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड कर जाता है, मतलब वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन वहां पर करता है. तो साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलाउ अ सिंगल सेल फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल. एक दो में डिवाइड करेगा, दो चार में, चार आठ में. तो इस तरीके से ए अपने पास यहाँ पर ग्रोथ और डिवीजन जो है सेल की, वो मिलियंस ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर वहां पर बनवा देती है. हम लोग शुरू में थे क्या, एक सेल थे, और आज उस एक सेल की हेल्प से हमारे अंदर इतने मिलियंस ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं. तो अपने पास यहाँ पर ये क्या हुआ, सेल का ग्रोथ हुआ, सेल का रिप्रोडक्शन अपने पास यहाँ पर हुआ. और उसी चैप्टर, उसी चीजों के बारे में सेल साइकिल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. मतलब सेल का भी खुद का एक साइकिल होता है जिससे ये जाता है हम लोगों के पास. तो सेल का डिवीजन, डीएनए का रेप्लिकेशन, सेल का ग्रोथ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेल का डिवीजन हो जाए और जिन प्रोजेनी सेल्स अपने पास वहाँ पर बन जाएं. तो इसीलिए ये सारे के सारे एक कोऑर्डिनेटेड फैशन के अंदर, एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. सो दिस इज द सेल साइकिल, सेल का साइकिल चल रहा है. तो सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट जीनोम. अब क्या करेगा, अब देखो तुम लोग, अपने पास ये सेल था, इस सेल को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है. तो इसके अंदर का जो डीएनए था, आधा इसमें जाएगा आधा इसमें जाएगा, मतलब इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा. इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर जाएगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया इधर जाएगा. तो अपने सिंथेसिस और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी अपना क्या करवाना पड़ेगा, सिंथेसिस करवाना पड़ेगा. और उसकी वजह से अपने पास क्या बन जाएंगे, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे. और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहते हैं सेल साइकिल, सेल का साइकिल, सेल जिस साइकिल से अपने पास चल रहा है. तो हम लोगों के पास यहां पर सेल साइकिल के अंदर क्या हो गए, ये था अपना सेल जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी एपरेटस वगैरह यहां पर प्रेजेंट थे, ये इसका जीनोम यहां पर प्रेजेंट था. इसको किस में डिवाइड करना है, दो के अंदर डिवाइड करना है. तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस जीनोम को भी क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट करना पड़ेगा. माइटोकॉन्ड्रिया भी दो बनवाने पड़ेंगे, गॉल्जी एपरेटस भी दो बनवाने पड़ेंगे. और वो क्या करेंगे, वो फाइनली इन दोनों के दोनों प्रोजेनी के अंदर अपने पास चले जाएंगे. तो इसका मतलब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये एक सेल का साइकिल चल रहा है, सेल का डिवीजन यहां पर हो रहा है, इसे बोला जाता है सेल साइकिल. राइट. तो ऑल दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. अब देखो, सेल का ग्रोथ अगर हम देखें कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, वो तो हमेशा होता रहता है. लेकिन डीएनए का सिंथेसिस जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर ही होता है सेल साइकिल में. तो अब हम लोग का जो सेल है ना, वो वैसे तो ग्रो करता ही रहता है, हमेशा ऐसे ग्रो करता रहता है. लेकिन जो इसका डीएनए का रेप्लिकेशन है, वो कब होता है, एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर होता है. उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं. चलो अब बात करते हैं कब वो होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा. राइट. तो हम लोगों का सेल का साइकिल मतलब एक सेल दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड करेगा. ठीक है, ये हर ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म में इसका ड्यूरेशन डिफरेंट होता है. जैसे अगर एक यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है, उसमें कितने घंटे लगाता है अपने पास, ये 24 घंटे के अंदर डिवाइड करता है. जबकि अगर एक ईस्ट के सेल के बारे में बात करें तो 90 मिनट में ही डिवाइड कर जाता है. तो इसका मतलब जो सेल का साइकिल है, यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के अंदर उसको कितनी देर लगी, उसको 24 घंटे लगे. ईस्ट के अंदर उसको कितनी देर लगी, 90 मिनट्स लगी. एक्टिविटीज़ वही हुए, काम वही हुए, लेकिन ड्यूरेशन क्या है अपने पास यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट अपने पास यहाँ पर है. ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या होता है, सेल साइकिल एंड एम फेज, दो फेजेस अपने पास यहाँ पर होंगे. सेल साइकिल इंटरफेज, इंटरफेज सेल साइकिल, एम फेज. देखो देखो, ध्यान से देखते हैं. एम फेज, एम फेज का मतलब अपने पास क्या हुआ, एम फेज का मतलब है माइटोटिक फेज. इससे पहले कि इस चैप्टर में मैं आगे बढ़ूं, दो टर्म्स तुम लोग को क्लियर कर देती हूं. एक होती है माइटोसिस और एक अपने पास क्या होती है, एक अपने पास होती है मियोसिस. मियोसिस का मतलब क्या हो गया, मी, मी मतलब मेरे अंदर, मैं कैसे बनी हूं, मेरे पापा से क्या हुआ था, एन आया था. मेरे मम्मा क्या थी, वो भी 2N थी, उनसे भी एन आया. दोनों एन मिलकर उन्होंने मुझे क्या बना दिया, दोनों एन ने मिलकर मुझे 2N बना दिया. इसका मतलब मेरी मम्मा के अंदर भी, मेरे पापा के अंदर भी, दोनों के दोनों में जो 2N था वो किस में कन्वर्ट हुआ था, वो एन में कन्वर्ट हुआ था. वो क्या हो गया था, वो हाफ हो गया था. और इसे क्या कहते हैं, मियोसिस, जिसके अंदर चीजें जो हैं 2N से एन हो जाती हैं, हाफ
साफ हो जाती हैं, जबकि जो माइटोसिस होता है वो एन का एन ही हम लोग के पास रहता है और अपने पास ऐसे डिवाइड करता है। तो दो टर्म्स आएंगी, माइटोसिस एंड मियोसिस, इनमें कभी भी कंफ्यूज ना हो, हमेशा ऐसे याद रखें, मियोसिस मतलब मी, जो मुझ में हुआ था, माइटोसिस इसके अलावा दूसरा अपने पास माइटोसिस यहाँ पर हो गया, राइट। सो एम फेज रिप्रेजेंट द फेज वेयर द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स, और इंटरफेज इज द फेज रिप्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव माइटोसिस। तो एक बात बताओ, अपने पास यहाँ पर क्या हुआ, एक सेल क्या किया था, एक सेल का अपने पास यहाँ पर क्या हुआ था, सेल का अपने पास यहाँ पर डिवीजन हुआ था, अपने पास यहाँ पर क्या हुआ था, उसके अंदर माइटोसिस हम लोग के पास यहाँ पर हुआ था, ठीक है। अब इस सेल को क्या करना पड़ेगा, अब ये सेल धीरे धीरे वापस से ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद एक फिर से इसका फेज आएगा, उस फेज को क्या कहेंगे, वो फेज फिर से माइटोसिस वाला फेज आएगा। तो जो ये टाइम अपने पास बीच में है जिसमें ये ग्रो कर रहा है, जिसमें ये दोबारा माइटोसिस करने के लिए रेडी हो रहा है, उस फेज को क्या बोला जाता है, इंटरफेज। दो फेजेस के, दो माइटोटिक फेजेस के बीच का फेज, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा अपने पास इंटर, उनके बीच का फेज। तो टू सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में जो फेज होता है उसे क्या कहा जाता है, इंटर फेज। तो एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन, क्या हो रहा है, एम फेज का मतलब माइटोसिस अपने पास यहां पर होगी, माइटोसिस मतलब दोनों चीजें डिवाइड करेंगी। तो अपना ये सेल था, इसको क्या बनानी है, इसको दो डॉटर सेल बनवानी है, तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो इसका ये है जेनेटिक मटेरियल, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अपना डिवाइड करवाना पड़ेगा दो पार्ट्स के अंदर। सुनो, अभी पहले इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होने वाला है, इतने में ये अंदर वाला डिवाइड हो चुका होगा। अब क्या होगा, ये अलग चला जाएगा, ये अलग चला जाएगा, अपने पास क्या बन जाएंगे, दो डॉटर सेल्स हम लोग के पास बन जाएंगे। तो इसका मतलब पहले क्या होता है, पहले हम लोग के पास न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ये अंदर अपना न्यूक्लियस क्या था, ये न्यूक्लियस हम लोग का डिवाइड किया था, उसके बाद दो डॉटर सेल्स हम लोग के पास बनते हैं, मतलब उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, राइट। तो पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद क्या होता है अपने पास, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हम लोग के पास ऐसे ही तो होता है। ये अपने पास सेल है, इसका ये न्यूक्लियस अपने पास यहाँ पर था, पहले क्या होगा, पहले अपना ये डिवाइड नहीं करेगा, पहले ये न्यूक्लियस डबल बनेगा, इसका मतलब पहले क्या हुआ, पहले अपने पास हुआ कैरियोकाइनेसिस। अब ये क्या करेगा, दो डॉटर सेल में डिवाइड कर जाएगा, अब क्या हुआ हम लोग के पास, अब अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, अब हम लोग के पास इसको कहेंगे साइटोकाइनेसिस। तो पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर अपने पास होता है साइटोकाइनेसिस। और अपन को, तुम लोग को बता ही दिया इंटरफेज क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, हम लोग को दिखने में लग रहा है माइटोसिस के टाइम पर ये एम फेज था, ये भी एम फेज था, इसके बीच के फेज को मैंने क्या बोला था, इसके बीच के फेज को मैंने बोला था इंटरफेज। दिखने में क्या लग रहा है कि यहाँ पर सेल तो डिवाइड कर ही नहीं रहा, इसका मतलब सेल यहाँ पर क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। ये दिखने में क्या लग रहा है, ये दिखने में रेस्टिंग फेज लग रहा है, लेकिन असल में ये रेस्टिंग फेज नहीं है, यहाँ पर अपना जो सेल है वो दोबारा डिवाइड करने के लिए रेडी हो रहा है। दिखने में ये रेस्टिंग फेज लग रहा है लेकिन ये रेस्टिंग फेज नहीं है, यहाँ पर सेल जो है वो ग्रो कर रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर हो रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। तो अपने पास क्या होता है, दिस इज द एम फेज, दिस इज द एम फेज, दोनों एम फेज के बीच के फेजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, उनके बीच के फेजेस को हम लोग बोलेंगे इंटरफेज, जो कि हमें दिखने में क्या लग रहा है कि यहाँ पर रेस्ट अपने पास हो रहा है, दिखने में ये रेस्टिंग फेज लग रहा है लेकिन असल में ये रेस्टिंग फेज नहीं है, यहाँ पर सेल जो है दैट इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, वो प्रिपरेशन कर रहा है। ऐसे ही थोड़ी है कि तुम लोग जाके बस माइटोसिस कर दोगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा अपने पास, उसको प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, उसको रेडी भी करवाना पड़ेगा, उसको बड़ा भी करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ऐसे ही थोड़ी होता है कि जाके बस शादी कर दी, पहले उसको उसको बड़ा करेंगे, उस लड़की को उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब काम उसके करवाएंगे, तभी तो उसकी माइटोसिस करवा सकते हैं, तभी तो उसकी शादी करवा सकते हैं। तो एक ऑर्डरली मैनर के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग के पास यहाँ पर हो रही होती हैं। अब इंटरफेज के भी कुछ पर्टिकुलर फेजेस, इंटरफेज के भी तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहले G1 फेज, दूसरा S फेज, तीसरा G2, G1, G2 एंड बीच में
एस, ठीक है। तो क्या था अपने पास, माइटोसिस फेज, फिर क्या था इंटरफेज, फिर दोबारा क्या होती है माइटोसिस। इसका मतलब इंटरफेज के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और इसके अंदर तीन चीजें आती हैं, G1, S एंड G2, तीन चीजें हम लोग के पास यहाँ पर आ गई। तो G1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, राइट। तो अपना S का मतलब सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस मतलब यहाँ पर क्या होंगी चीजें सिंथेसाइज अपने पास होंगी। इस G1 से पहले क्या था, M फेज था। देखो अपने पास सीक्वेंस क्या है, हम लोगों के पास यहाँ पर सीक्वेंस है M फेज, देन इंटरफेज, अपने पास ये था M फेज, ये था इंटरफेज, और वापस से M फेज, ठीक है। इंटरफेज के अंदर G1 फेज, दूसरा S फेज, तीसरा G2 फेज। तो G1 से इधर क्या है, माइटोसिस है, इधर अपने पास क्या है सिंथेसिस फेज है। इसका मतलब G1 फेज जो है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, माइटोसिस, इधर तो जीवन के इधर तो माइटोसिस होगी, ठीक है, माइटोसिस अपने पास यहाँ पर होगी, राइट। एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, एस मतलब सिंथेसिस, राइट। तो सिंथेसिस वहाँ पर होनी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पर सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा होगा, बट रेप्लीकेट नहीं करेगा। मैंने क्या कहा था, DNA का रेप्लिकेशन हर स्टेज पर नहीं होता, DNA का रेप्लिकेशन तो एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर ही होता है, ठीक है। तो DNA का रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर स्टेज पर ही होगा, राइट, हर टाइम पर नहीं होगा। इस टाइम पर वो क्या कर रहा है, इस टाइम पर वो सिर्फ और सिर्फ ग्रो कर रहा है। S फेज मतलब सिंथेसिस फेज, चीजें सिंथेसाइज करेंगी। तो DNA का जो अमाउंट है वो क्या हो गया, डबल हो गया, डबल DNA सिंथेसाइज यहां पर हो गया। हालांकि क्रोमोसोम का नंबर तो नहीं बढ़ा है अपने पास, लेकिन DNA जो है वो DNA हम लोग के पास यहां पर क्या हो गया, डबल हो गया। S का मतलब सिंथेसिस। तो G1 क्या था, M के और सिंथेसिस फेज के बीच का फेज अपने पास था, सिंथेसिस फेज के अंदर एक्चुअल सिंथेसिस हम लोग के पास हो रही है, और इसके बाद अपने पास यहां पर क्या आता है, G2 फेज, जहां पर प्रोटीन्स सिंथेसाइज हो रहे हैं इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। G1 के अंदर भी क्या हो रही थी, G1 के अंदर भी सेल की ग्रोथ हो रही थी, G2 के अंदर भी क्या होती है, G2 के अंदर भी सेल का ग्रोथ होता है। यहां पर क्या होता है, यहां पर अपना DNA का सिंथेसिस मतलब DNA जो है वो डबल हम लोगों के पास हो जाता है, इसीलिए तो उसका नाम G1 G2 है। G1 और G2 के अंदर तो ग्रोथ हो रही है, S के अंदर सिंथेसिस हो रही है, मतलब अपना DNA का अमाउंट क्या हो रहा है वहां पर डबल अपने पास हो रहा है। तो एनिमल सेल्स के अंदर ड्यूरिंग द एस फेज DNA रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड जो सेंट्रियोल है वो डुप्लीकेट होना स्टार्ट हो जाता है, DNA का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। DNA रेप्लिकेट नहीं होता, सिंथेसिस, S का सिंथेसिस हुआ ना, तो वहां पर सिर्फ शुरू हुई हैं चीजें, रेप्लिकेट नहीं किया चीजें लेकिन सिर्फ शुरू हुई हैं हम लोगों के पास चीजें। तो इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज DNA रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स, राइट। तो सेंट्रियोल ही तो रोल प्ले करेगा सारा का सारा, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेट करना जरूरी है, सेंट्रियोल को भी चीजें शुरू कर देनी चाहिए, राइट। ओके, तो अपने पास तीन चीजें हमने पढ़ ली, G1, S एंड G2। अब कुछ ऐसे होते हैं जो G1 से निकल जाते हैं और एक इनएक्टिव स्टेज के अंदर, क्वेशेंट स्टेज जिसे कहते हैं, G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल, उसके अंदर निकल जाते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, G1, S एंड G2 कुछ इधर से निकल जाएंगे इनएक्टिव स्टेज में, जिस स्टेज को कहते हैं क्वेशेंट स्टेज या G0 स्टेज हम लोग कहते हैं। ये अपने पास यहाँ पर इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया, दिस इज द G1, दिस इज S एंड दिस इज G2 एंड दिस इज कंप्लीट माइटोसिस। तो माइटोसिस ये पूरा का पूरा क्या हो गया, दिस इज इंटरफेज। यहाँ पर एक्चुअल डिवीजन नहीं हो रही है इस इंटरफेज के अंदर, लेकिन तैयारी जीत की तैयारी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो एनिमल सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन हमेशा किस में दिखती है, डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में, जबकि प्लांट्स के अंदर माइटोसिस हैप्लॉयड में भी देखने को मिलती है और डिप्लॉयड में भी देखने को मिलती है। इस चीज़ के ऊपर प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करें, ये लाइन कई जगह पर रिपीट होती है कि एनिमल सेल के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन है वो किसके अंदर दिखती है, सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स के अंदर। हम लोगों के अंदर तो 2n से हम लोग क्या हो गए थे, n वहां पर हो गए थे, तो अपने तो हम लोग के इनके अंदर तो नहीं दिखेगी, सिर्फ सोमेटिक सेल्स के अंदर ही दिखेगी। तो एनिमल्स के अंदर तो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में दिखती है, जबकि अपने जो प्लांट्स हैं उनके अंदर दोनों हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों उनके अंदर यहाँ पर नजर आती है। तो सेल साइकिल अपना क्या हो गया, सेल साइकिल इंटरफेज, जो कि G1 था, S था, G2 था। उसके बाद आता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में पहले कैरियोकाइनेसिस होता था, फिर साइटोकाइनेसिस अपने पास होता था। कैरियोकाइनेसिस क्या क्या स्टेजेस अपने पास, प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी की सारी क्या हो गई अपने पास यहाँ पर, ये सारी की सारी हो गई कैरियोकाइनेसिस, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, इसके बाद अपने पास यहाँ पर हो गया साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के बारे में, एम फेज के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। तो एम फेज क्या होता है यार, एम फेज का मतलब माइटोटिक फेज, जिसमें पहले कैरियोकाइनेसिस था फिर साइटोकाइनेसिस अपने पास यहाँ पर था। तो एम फेज में माइटोसिस है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजेनी के अंदर यहाँ पर क्या है, इक्वल रहते हैं। मैंने क्या बोला, एन से एन बनता है माइटोसिस में, मियोसिस में क्या बनता है, टू एन से एन बनता है। इसका मतलब एन से एन बना तो ये कैसा, इक्वल रह गया, तो इसका मतलब इसके अंदर होती है इक्वेशनल डिवीजन। टू एन से एन हो गया, हाफ हो गया, तो मियोसिस को क्या कहते हैं, मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो ये हम लोग के पास हो गया एम फेज। अब वन बाय वन करके इसके चारों फेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं, प्रोफेज के बारे में, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के बारे में। चलो, तो प्रोफेज क्या होता है, दिख ही रहा है आपको, सबसे पहले वाली स्टेज क्या होती है, प्रोफेज। तो प्रोफेज कहां से होगा, अपना ये क्या था, यहां पे हम लोग के पास था जी वन, ये क्या था S, ये क्या था G2। इसके बाद शुरू हो गया माइटोसिस, माइटोसिस की सबसे पहली कौन सी स्टेज स्टार्ट हुई, प्रोफेज स्टार्ट हुई। इसका मतलब क्या हो गया अपने पास, S और G2 अपने पास यहाँ पर हुआ, राइट। तो फॉलोज द S एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। प्रोफेज किसको फॉलो करता है, S और G2 फेज को फॉलो अपने पास यहाँ पर करता है। सेंट्रियोल क्या करेगा, सेल के, अब ये सेंट्रियोल था, इसके अंदर डिवीजन अपने पास यहाँ पर करवानी थी, ये सेल के ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएगा, इधर मूव कर गया, इधर मूव हम लोग के पास कर गया। तो सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाएगा और क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस करके टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, वो क्या करेगा अपने पास, माइटोटिक क्रोमोसोम हम लोग के पास यहां पर क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस करके बना देगा। अब क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो क्रोमेटिड से मिलकर बने होते हैं, जो कि आपस में किस पर जुड़े होंगे, सेंट्रोमियर पर जुड़े होंगे, सीधी सी बात अपने पास यहां पर है। इनिशिएशन, यहां पर माइटोटिक स्पिंडल बनना, यहां पे चीजें बननी शुरू हो जाएंगी, माइटोटिक स्पिंडल, माइक्रोटिब्यूल्स, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट सेल के, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि इस पूरे की पूरी प्रोसेस के अंदर हम लोगों को हेल्प करेंगे, वो सारी की सारी चीजें अपने पास यहां पर क्या होनी स्टार्ट हो जाएंगी, यहां पर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो ये क्या हो गया हम लोग के पास, प्रोफेज के अंदर सारी की सारी चीजें जो है वो बननी स्टार्ट हुई हैं अभी शुरू शुरू में। उसके बाद अपने पास आता है मेटाफेज। मेटाफेज कहते ही तो तुम लोग को हमेशा मेटाफेजिक प्लेट ही याद आती होगी। तो मेटाफेज इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, जो कि किससे जुड़े होते हैं अपने पास, सेंट्रोमियर से हम लोगों के पास ये आपस में जुड़े होते हैं। इनके अंदर स्मॉल डिस्क शेप के स्ट्रक्चर होते हैं एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। और काइनेटोकोर के ऊपर क्या अटैच करते थे, अपने स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो काइनेटोकोर के ऊपर अपने अटैच करते थे। तो ये क्या हो गया हम लोग के पास, मेटाफेज। और मेटाफेज अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्पिंडल इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे और अलाइन होकर मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अलाइन हो जाएंगे अपने पास। और स्पिंडल फाइबर दोनों, ये क्या है, बीच में मेटाफेजिक प्लेट, और उधर दोनों तरफ क्या है अपने स्पिंडल फाइबर्स, जो कि दोनों के दोनों पोल से ऐसे जुड़ रहे हैं जाके, ये बीच में तो क्या बन गई अपनी मेटाफेजिक प्लेट, इधर क्या बन गए अपने, ये अपने स्पिंडल फाइबर्स, जो कि दोनों के दोनों पोल्स की तरफ जाकर जुड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रेफर टू एज द मेटाफेजिक प्लेट, इसे क्या कहा जाता है, मेटाफेजिक प्लेट हम लोग के पास यहां पर बोला जाता है। ये बन गई अपने पास यहाँ पर मेटाफेजिक प्लेट, मेटाफेज अपने पास यहाँ पर है। उसके बाद अपने पास आता है एनाफेज। एनाफेज का मतलब क्या हो गया, जहां से एनाफेज की शुरुआत होती है हर क्रोमोसोम, अब मेटाफेज के अंदर अपने पास यहाँ पर था, तो अब क्या होगा, ये उधर मूव करना, मेटाफेज में तो बीचों बीच अरेंज हो गए थे, अब एनाफेज में उससे नेक्स्ट स्टेप अपने पास होगा, तो ये दोनों उस तरफ ज्यादा मूव करना स्टार्ट कर देंगे एनाफेज वाले केस के अंदर अपने पास। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट जो होती है वो स्प्लिट हो जाती है और दोनों के दोनों डॉटर क्रोमेटिड जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ, एक इधर दूसरा इधर, उधर क्या कर देंगे अपना माइग्रेशन जो है, माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और जो सेंट्रोमियर है हर क्रोमोसोम का इज टुवर्ड्स द पोल। क्यों, अब देखो, अब हम लोगों के पास ये कुछ इस तरीके से था, ये अपना क्रोमोसोम ऐसे था, ये बीच में सेंट्रोमियर था, अगर मैं इसको इधर से पकड़ के खींचूं तो इसी से बीच से पकड़ के खींचूंगी ना, तो कुछ इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बन जाता है, ये दोनों आर्म्स तो पीछे रह जाती हैं और ये सेंट्रोमियर आगे रह जाता है। तो वही कह रहा है कि सेंट्रोमियर हर क्रोमोसोम का पोल की तरफ होता है, ये पोल अपने पास है, पोल की तरफ होगा, और आर्म्स जो होती हैं वो आर्म्स कहाँ रह जाती हैं, अपने पास पीछे,
उसके बाद फाइनली आता है टीलोफेज। टीलोफेज का मतलब टीले पर जाकर अरेंज हो जाएंगे, एक उस टीले पे एक उस टीले पे। तो क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स के ऊपर जाकर अरेंज हो गए, वहां पर जाकर कंडेंस हो गए और अपनी इंडिविजुअलिटी उन्होंने क्या कर दी, अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर दी। अब न्यूक्लियर एनवेलप क्या करेगा, असेंबल करेगा क्रोमोसोम के क्लस्टर्स के अलावा और अपनी सारी चीजें न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अपने पास प्रोफेज के अंदर क्या था, प्रोफेज के अंदर ये सारा का सारा मटेरियल एक ही था। अब क्या हो गया, अब दोनों पोल के ऊपर इधर भी और इधर भी, इसका मतलब ये सारा का सारा मटेरियल क्या हो गया, ये सारा का सारा मटेरियल हम लोगों के पास यहाँ पर डबल हो गया। ये सारा का सारा मटेरियल हम लोगों के पास क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस अपना फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप के अंदर कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में यही चार चीजें थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब फाइनली क्या होगा, ये सारा का सारा मटेरियल क्या हो गया, देखो बहुत आसान है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे अपना सारा मटेरियल जितना भी हम लोग के पास था वो सिंगल मटेरियल था। ये गोल्जी बॉडीज वगैरह सब चीजें सिंगल मटेरियल थी, इनको हमने क्या किया, इनको हमने खत्म करवा दिया एक बार, ठीक है। हमने कहा सब तुम मिल जाओ, मिलके क्या हुआ, इनको एक प्लेट पर अरेंज करवाया बीचों बीच, मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर। उसके बाद एनाफेज के अंदर क्या कहा, आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ। तो अब अपने पास क्या हो गया, अब अपने पास ये सारा का सारा डबल बन गया। कौन से फेज में, टीलोफेज के अंदर हम लोग के पास। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, डबल हो गया। अब ये क्या कर सकते हैं, दो में डिवाइड कर सकते हैं, दो में डिवाइड कर सकते हैं। तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, जो एनाफेज जो टीलोफेज होगा दैट विल बी जस्ट ऑपोजिट ऑफ द टेलोफेज विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रोफेज, ठीक है। हाँ, तो अब अपने पास इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हम लोग के पास फाइनली साइटोकाइनेसिस अपने पास यहाँ पर होगा। अब साइटोप्लाज्म जो है अपना वो डिवाइड कर जाएगा, तो सेल जो है वो दो डॉटर सेल में, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया तो दो डॉटर सेल में डिवाइड कर गया। एनिमल सेल्स के अंदर कैसे डिवाइड करता है, एनिमल सेल्स के अंदर जो है अपने पास यहाँ पर डेवलप्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि धीरे धीरे अंदर जाता रहता है। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जो सेल अपने पास है ये दो में डिवाइड करेगा, तो एनिमल सेल के अंदर तो कुछ इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे अंदर होते जाते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं होते जाते हैं और ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है। प्लांट सेल के अंदर अंदर से डिवीजन स्टार्ट होती है, बाहर की तरफ जाती जाती है जाती जाती है और चीज़ें दो में डिवाइड कर जाती हैं। तो एनिमल सेल्स के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होगा, एनिमल सेल्स के अंदर हम लोगों के पास यहाँ पर जो है फरो जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डेवलप हुआ था और ग्रेजुअली डीपन होके वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाता गया अपने पास। और प्लांट सेल के अंदर जो वॉल का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर से स्टार्ट होके वो बाहर की तरफ अपने पास जाता जाता है। तो नया सेल अपने पास बन गया, राइट, कि नई सेल वॉल बनेगी, अपना सेल प्लेट, मिडल लैमेला वगैरह, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं अब पूरी की पूरी अपने दो नए सेल हम लोगों को यहाँ पर बन के आ गए। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर कई बार क्या होता है, डबल तो हो गया था, कैरियोकाइनेसिस तो हो गया था, लेकिन ये आगे साइटोकाइनेसिस करेगा ही नहीं, डिवाइड करेगा ही नहीं, तो अपने पास यहाँ पे क्या हो गया, एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो गया, मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन हो गई। जब दो में डिवाइड ही नहीं किया तो मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन हो गई, तो एक सिंक्शियम यहाँ पर बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, जो कोकोनट है, ठीक है, तो कोकोनट लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट, उसका अपने पास ये क्या हो गया, वो हम लोग यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है जी। इसके ये अपने पास एक डायग्राम दे रखा है माइटोसिस का हम लोग के पास। तो एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चलो ये एक दे रखा है, माइटोसिस हुआ था जीवन फेज में, सेल का साइज इंक्रीज किया था, एस टू फेज में डीएनए का सिंथेसिस हुआ था, जी टू फेज के अंदर अपने पास डीएनए का रेप्लिकेशन, माइटोसिस शुरू होगी इसके बाद। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस से क्या बन जाएंगे अपने पास यहाँ पर, डॉटर सेल्स बन जाएंगे। ये सारी चीजें हुई थी। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है अपने पास यहाँ पर एक नई मेम्ब्रेन बन जाती है अपने एनिमल सेल के अंदर, बाहर से अंदर की तरफ वो मेम्ब्रेन आती है और प्लांट के अंदर अंदर से बाहर की तरफ वो मेम्ब्रेन अपने पास जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो चीजें हो गई, दिस इज द होल सम अप ऑफ व्हाट, होल सम अप ऑफ द माइटोसिस, माइटोसिस का पूरा सम अप अपने पास यहाँ पर हो गया, दैट्स इट। सिग्निफिकेंस क्या होता है माइटोसिस का, माइटोसिस एन से एन बनेगा, तो डिप्लॉयड, मान लो टू एन है
तो 2n से 2n ही बन जाएगा, तो जेनेटिक मटेरियल अपने पास यहाँ पर क्या होगा, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल अपने पास यहाँ पर रह गया, डॉटर सेल, डिप्लॉयड डॉटर सेल ही हम लोग के पास यहाँ पर बन गए। सेल किससे डिवाइड करेगा, माइटोसिस से, टू रीस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो को रीस्टोर करने के लिए माइटोसिस से सेल डिवाइड करते हैं। सेल रिपेयर में हेल्प करता है, मान लो मेरा ये वाला सेल टूट गया तो यहाँ पे दूसरा सेल क्या करेगा, एक और नया सेल बनवा देगा, रिपेयर यहाँ पर करवा देगा, और ये मेरिस्टमेटिक ग्रोथ करवाता है, मतलब कॉन्टिन्यूसली मेरी लाइफ में अगर ग्रोथ करवानी है ना तो वो किसके द्वारा होती है, वो सब के सब माइटोसिस से अपने पास होती है, कॉन्टिन्यूसली ग्रो हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद फाइनली अपने पास यहाँ पर क्या आता है, मियोसिस हम लोग के पास आता है। मियोसिस के अंदर क्या होगा, अब हम मियो मतलब मी, मेरे अंदर मियोसिस होगा, 2n किसके अंदर डिवाइड कर जाए, अपने पास यहाँ पर n अगर यहाँ पर बना ले, मियोसिस हो गया, तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर क्या आएगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, दो गैमिट्स का फ्यूजन, ईच विद कंप्लीट हैप्लॉयड सेट ऑफ गैमिट स्पेशलाइज, मतलब 2n क्या बनाएगा, n बनाएगा, इसे क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपने पास ऑफस्प्रिंग्स बनवाने में ये वाली जो प्रोसेस है मियोसिस, वो इन्वॉल्व होती है। तो स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉयड डॉटर सेल्स। तो 2n से ये क्या था, डिप्लॉयड था, ये n बनवाएगा, हैप्लॉयड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करवाएगा, ये अपने पास क्या हो गया, ये हम लोग के पास सेल डिवीजन यहाँ पर हो गया, मियोसिस अपने पास यहाँ, सेल डिवीजन नहीं, मियोसिस हम लोग के पास यहाँ पर हो गया, राइट। तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, दो सिक्वेंशियल साइकिल। अब जैसे माइटोसिस के अंदर तो अपने पास क्या था, माइटोसिस तो नॉर्मली माइटोसिस था अपने पास, वहाँ पे चार स्टेप्स अपने पास थे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस थे, हो गया काम। लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपने पास न्यूक्लियर और सेल डिवीजन के अंदर क्या क्या होता है, मियोसिस एंड मियोसिस टू होता है, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का एक ही टाइप वो सिंगल साइकिल होता है। देखो अपने पास यहां पर मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, वन बाय वन करके दोनों चीजों को पढ़ लेते हैं। जैसे ही पेरेंटल क्रोमोसोम हम लोग के पास रेप्लिकेट करी है आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर एस फेज में, वैसे ही मियोसिस वन जो है वो शुरू हो जाता है अपने पास। इसके अंदर क्या होता है, होमोलोगस, मियोसिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है और रिकॉम्बिनेशन होता है, अपने पास चार डॉटर सेल मियोसिस टू के एंड तक बन जाएंगे। देखो इसको ना सिंपल ऐसे याद रखो, आप लोगों के पास स्पर्म था, ठीक है, एक स्पर्म था, स्पर्म से कितनी चीज़ें तुम लोगों ने बनवा ली थी लास्ट में, क्या पहले स्पर्म 2n से डिवाइड करके n और n बना रहा था, क्या उसको तुम लोगों ने, पढ़ते हो ना यार, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, सबसे पहले ये स्पर्म तुम लोगों के पास था, सॉरी स्पर्म नहीं, अपने पास स्पर्मेटिड्स वगैरह वहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें, जो भी चीज़ें पढ़ते हो, स्पर्म के, स्पर्म नहीं था अपने पास, ठीक है, स्पर्म तो बनवाना है हम लोग को, पहले 2n था अपने पास ह्यूमन में, ऐसे ही तो किया था हम लोगों ने, उसके बाद क्या होता था, वो n और n के अंदर अपने पास डिवाइड करें, फिर वो भी n और n के अंदर डिवाइड, ये भी n के अंदर और n के अंदर डिवाइड, इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे मियोसिस वन, इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे मियोसिस टू। तो n n और n में डिवाइड कर रहा है, ये तो कुछ तुम्हें नहीं लगता, ये तो तुम्हें कुछ लगता नहीं कि अपने पास ये किसके जैसा है, ये माइटोसिस जैसा अपने पास यहाँ पर है। तो इसका मतलब मियोसिस टू कुछ माइटोसिस से मिलता जुलता होता है, मियोसिस टू इज समवट सिमिलर टू माइटोसिस, और मियोसिस वन तो मियोसिस होगा ही होगा अपने पास, मियोसिस वन मियोसिस का काम करेगा और अपने पास जो मियोसिस टू है वो माइटोसिस का काम करेगा। लेकिन स्टेजेस वही होती हैं अपने पास, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू, वही स्टेप्स अपने पास यहाँ पर होंगे, राइट। तो इन द लैप्टोटीन स्टेज क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होंगे अपने पास, सबसे पहले अब देखो, अब वैसे तो मियोसिस वन के बारे में हम लोग बात करते हैं, मियोसिस वन के अंदर चार स्टेप होंगे, लेकिन इसका प्रोफेज जो होता है ये थोड़ा सा लंबा होता है और इसके पांच पार्ट्स होंगे। कौन कौन से पांच पार्ट्स, सबसे पहले लैप्टोटीन स्टेज, इसके अंदर वही जैसे अपना प्रोफेज में होता था,
पीछे अभी माइटोसिस में पढ़ा था ना, कुछ माइटोसिस में सबसे पहले क्या किया था हम लोगों ने, कंडेंस अपने पास यहाँ पर किया था, क्रोमोसोम क्या कर रहा था, कंडेंस हो रहा था और विजिबल हो रहा था। नेक्स्ट लैप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, क्रोमोसोम ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम बनाने के लिए अपने पास यहाँ पर पेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया, मतलब सिनाप्स करना स्टार्ट कर दिया, सिनाप्सिस अपने पास यहाँ पर हो गई, विच इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनाप्स हुआ, एक कॉम्प्लेक्स बना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपने पास यहाँ पर बना, राइट, एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ सिनेप्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है, बायवेलेंट या फिर टेट्राड, बायवेलेंट बोला जाता है या फिर टेट्राड हम लोगों के पास बोला जाता है। तो इस पेज के अंदर मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, प्रोफेज वन के बारे में बात कर रही हूँ। प्रोफेज वन के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले लैप्टोटीन, लैप्टोटीन जाइगोटीन पैकाइटीन डिप्लोटीन, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, लैप्टोटीन, लैप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम कंडेंस करता है और विजिबल अपने पास हो जाता है। दूसरा क्या होता है अपने पास, जाइगोटीन, जाइगोटीन के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या करेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम मिलकर सिनाप्सिस कर लेंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हम लोगों के पास एक बायवेलेंट एक टेट्राड हम लोगों के पास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा हम लोग के पास, एक बायवेलेंट एक टेट्राड हम लोग के पास यहाँ पर बन जाएगा। तो अपने पास सबसे पहला था क्या, लैप्टोटीन, दूसरा क्या था, जाइगोटीन, तीसरा क्या होगा, पैकाइटीन, थोड़ी सी पैकिंग, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू क्रोमोसोम, हम क्या कहेंगे, मेरा सामान तू ले ले, तेरा मैं ले लेती हूँ, थोड़ी सी पैकिंग हम लोग को यहाँ पर करनी है, तो ऑफ जेनेटिक, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसे क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स place between non-sister chromatids of the homologous chromosome, वो packing कर रहे हैं, कह रहे हैं तू मेरा सामान डाल ले, मैं तेरा सामान डाल लूंगी, तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, उनके बीच में packing यहाँ पर हो रही है, ठीक है जी। इसके बाद next अपने पास क्या है, diplotene stage, diplotene मतलब something टू कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसके अंदर अपना जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो क्या हो गया, यहाँ पर उसका डिसोल्यूशन हो गया, एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर हम लोगों के पास बन गया, जिसे कहते हैं कियाजमेटा, कियाजमेटा की फॉर्मेशन अपने पास यहाँ पर हो गई, दैट इज फॉर्म्ड बाय द टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बायलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मैंने क्या बोला, डिप्लोटीन मतलब दो चीजें अपने पास यहाँ पर, कियाजमेटा की फॉर्मेशन हो गई, बायवेलेंट्स दो होंगे अपने पास यहाँ पे, चीजें सेपरेट करेंगी एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर, क्या हो गया, ठीक है। इसके बाद फाइनली अपने पास इसके अंदर डायकाइनेसिस होता है, और डायकाइनेसिस के साथ हम लोगों का प्रोफेज वन जो है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो डायकाइनेसिस क्रोमोसोम जो है वो फुली कंडेंस हो गए हैं, मियोटिक जो स्पिंडल है वो असेंबल हो गया है, प्रिपेयर करेगा टू होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर द सेपरेशन, एंड बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी, ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ब्रेक डाउन अपने पास हो जाएगा। तो ये अपना एक कैसे, दिस वाज द लैप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर पैकाइटीन, डायकाइनेसिस एंड डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। अब प्रोफेज वन खत्म, मेटाफेज वन के बारे में बात करते हैं, तो बायवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्विटोरियल प्लेट। मेटाफेज मतलब मेटाफेजिक प्लेट एक तरीके से अपने पास यहां पर बनेगी, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एक अपने पास बीचों बीच क्या बनेगी, एक तरीके से इक्विटोरियल प्लेट, काइंड ऑफ मेटाफेजिक प्लेट जैसे अपने पास बनी थी, और उसके बाद अपने पास यहाँ पर क्या होगा, हम लोग के स्पिंडल जो हैं वो अटैच यहाँ पर करेंगे इस तरीके से अपने पास, राइट। तो मेटाफेज वन अपने पास यहाँ है, मेटाफेज वन के बाद जैसे एनाफेज अपने पास होता था, वहां पर क्या होता था, एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट से क्या कर जाते थे, एनाफेज के टाइम पर ऐसे सेपरेट कर जाते थे, अपने पास क्या बन रहा था, मेटाफेजिक प्लेट में सब चीजें अलाइन हो रही थी, एनाफेज में क्या हो रही थी, उधर सेपरेट हो रही थी, ऐसे ही एनाफेज के अंदर यहां पर होगी, रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पे तो सिस्टर क्रोमेटिड एसोसिएटेड रहेंगे, लेकिन अपने क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे, टीलोफेज के अंदर क्या होगा, टीले पर पहुंच जाएंगे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर, साइटोकाइनेसिस फॉलोज, एंड दिस इज कॉल्ड एज द डायड ऑफ सेल, डायड ऑफ सेल अपने पास यहां पर बन गया, तो स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन, दैट इज इंटरकाइनेसिस, व्हिच इज followed by prophase 2।
इंटरकाइनेसिस होती है, थोड़ा सा मियोसिस वन किया है अभी अभी हम लोगों ने, तो थोड़ा सा ब्रेक हम लोग ले लेते हैं। तो मियोसिस टू स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा छुटकू सा ब्रेक अपने पास यहाँ पर होता है, और उस ब्रेक को क्या बोला जाता है, उस ब्रेक को बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। उस ब्रेक को क्या बोला जाएगा, इंटरकाइनेसिस हम लोगों के पास यहाँ पर बोला जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, टीलोफेज वन तक हम लोगों का खत्म हो गया। इसके बाद आता है मियोसिस टू। मियोसिस टू इज नथिंग बट माइटोसिस। मियोसिस टू कुछ नहीं होता, माइटोसिस होता है, वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज अपने पास यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ क्या होता था माइटोसिस में, सबसे पहले सारी की सारी चीजें डिसअपियर कर जाती थी, क्रोमोसोम क्या हो जाते थे, कॉम्पैक्ट हो जाते थे। क्या प्रोफेज में यही होता था, फिर मेटाफेज में सारे के सारे मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर एक इक्वेटर पे आ जाते थे और माइक्रोटिब्यूल्स अपने उसके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते थे। एनाफेज के अंदर क्या होता था, दोनों को सेंट्रोमियर से पकड़ के ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचना शुरू कर दिया जाता था, हाँ जी वही एनाफेज के अंदर हो गया। और टीलोफेज के अंदर क्या होगा, वापस दोनों टीले पर पहुंच जाएंगे, एक उस टीले पर एक इस टीले पर। तो अपने पास यहां पर क्या होगा, दो क्रोमोसोम अपने पास गेट एनवेलप बाय, और सारी मेम्ब्रेन वापस से आनी स्टार्ट हो जाएंगी, सारी की सारी ऑर्गेनेलीज वापस से आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये किसके अंदर होता था, टीलोफेज के अंदर अपने पास यहां पर होता था, राइट। तो साइटोका, उसके बाद फाइनली अपने पास क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, जैसे अपने माइटोसिस के बाद होता था। दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू माइटोसिस। माइटोसिस के बाद क्या होता था, साइटोकाइनेसिस होता था, वही अब होगा। और अब कितने डॉटर सेल्स थे हमारे पास, दो ऑलरेडी थे जो कि हमने मियोसिस में बना लिए थे, अब उसकी जगह कितने हो जाएंगे, चार हम लोग के पास यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर हो गया, ये अपने पास क्या बने थे, दो, और दो से कितने बन गए वापस से, चार अपने पास यहाँ पर बन गए, ठीक है। मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस होती है, हमारे अंदर होता है मियोसिस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब मान लो मियोसिस ना होता तो मम्मा से 2n आता, पापा से 2n आता, मैं तो 4n बन जाती ना, तो इसीलिए मियोसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए यहाँ पर होता है। और साथ में वेरिएशन भी अपने पास आती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी को ये इंक्रीज करता है, और इट रिजल्ट्स इन द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, हाफ से ये हम लोगों का कर देता है, ठीक है। मेरा बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लग गया है बोलने की वजह से, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। हो गया है तुम लोगों का ख़त्म, क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर के वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को भेज दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हों, टेलीग्राम चैनल का नाम है रक्षिता सिंह, उन क्वेश्चंस को कर लो, इन नोट्स को और एनसीईआरटी अपना कर लो। उसके अलावा बायोलॉजी के अंदर आपको अभी इन ईजिली 340 प्लस से कोई भी नहीं रोक पाएगा, राइट। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे, ये नोट्स भेज दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग, जय हिंद।